हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आई होप मेरा जो माइक है वो ठीक चल रहा होगा और वीडियो क्वालिटी भी सही आ रही होगी, होप सो। एंड आज हम थोड़ा सा बात करेंगे लाइनअप की, थोड़ा सा प्लेयर्स की बात करेंगे आज, और ऑब्वियसली एनओसी की बात मैं करूँगा और एनओसी पे भी मैं आऊँगा। बट मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि क्या पाकिस्तान की लाइनअप हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप है और क्या चीज़ें चल सकती हैं। ऑफिस के काम में काफी बिजी रहा हूँ इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो लाइव कर लेते हैं। तो ये है कि ये मैंने एक लाइनअप बनाई हुई है आप लोगों के सामने, आपको नजर आ रही होगी। सो आई थिंक 7 to 8 डायस्पोरा प्लेयर्स मैंने इसमें डाले हैं। हाजिक भाई ने मुझे ज्वाइन किया। अरे हाजिक भाई, कैसे हो, कैसे हो, क्या हाल, हाउ आर यू डूइंग। तो ये है, मैं घंटे तक ही करूंगा स्ट्रीम, ज्यादा मैं स्ट्रीम नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। बट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, न्यूज़ थोड़ी डिस्कस करेंगे, और शायद दोस्त स्ट्राइकर का बड़ा मसला है। डायस्पोरा जो स्ट्राइकर्स हैं वो हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जितने भी लोंडे आ रहे हैं वो सारे 17-18 साल के हैं। दे आर मतलब बिलो 18, अभी तक उनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता। तो ये है प्राण, आज हिरेन भाई के या मूसा भाई के स्ट्रीम पे आओगे। हिरेन भाई ने मुझे बुलाया हुआ है, उनके स्ट्रीम पे मैं डेफिनेटली आऊंगा, थोड़ी लंबी स्ट्रीम करेंगे। कल मैं मीटिंग में फंस गया था यार ऑफिस की, तो ये जो है ना मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। एंड क्या सीन है। हाँ अरे मैन सिटी में तो पेल के रख दिया शायान भाई। यार तुम खुश हो या तुम उदास हो मुझे भी याद नहीं आ रहा, तुम किसके फैन हो। मुझे भूल गया है। अच्छा 21 जून का गेम होगा क्या। यार होपफुली होगा। एनओसी जो है हमारे एहसान और रहमान मजारी साहब ने कहा है, आईपीसी मिनिस्टर ने, कि मैं रुकावटें नहीं डाल रहा, जबकि सच नहीं है, रुकावटें वही डाल रहे हैं। और मुझे जो पता लगा है पीएफएफ की तरफ से, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशंस दे दिए, 2 हफ्ते पहले सबमिट करा चुके हैं आईपीसी मिनिस्ट्री में। आईपीसी मिनिस्ट्री का काम है कि उसको आगे फॉरवर्ड करना फॉरेन मिनिस्ट्री के पास, जिसका जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल जरदारी, जो कि इंडिया भी अभी गए थे वो, तो इट्स हिज जॉब नाउ। और इंटीरियर मिनिस्टर का काम है कि वो आगे चीजों को चलाएं और इस चीज को ओवर द लाइन लेके जाएं। तो आगे जो है ना, वंस द डॉक्यूमेंटेशन गोज इनटू द फॉरेन मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके बाद फिर उनका काम है। एहसान और रहमान मजारी कुछ नहीं कर सकता अभी तक। ये है कि एहसान और रहमान मजारी साहब ये कह रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरीके से सबमिट नहीं कराई है, पीएफएफ को ये बोला जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को। तो ये है, लेकिन उस पर मैं बात करूंगा। अभी मैं थोड़ा लाइनअप पे बात कर रहा हूँ, मैं चाह रहा था थोड़ा फुटबॉलिंग एस्पेक्ट पे बात करें। बहुत पॉलिटिक्स बात कर करके मैं थक गया हूँ, पक चुका हूँ यार मैं सीरियसली। तो ये है। और हाँ इबाद भाई कह रहे हैं हाय। अरे इबाद भाई कोई नहीं यार, हैपन्स, नो प्रॉब्लम। मैं खुद बड़ा निराश हूँ कि कल 4-0 हुआ है, हालांकि मैं रियल मैड्रिड का फैन भी नहीं हूँ। बट आई डोंट डिड नॉट वॉन्ट सिटी टू विन द क्या कहते हैं ट्रेबल, अब तो हाईली लग रहा है। हाँ, दानिश भाई बिल्कुल, सबको बोलो यार ठोको, लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब के बटन का बलात्कार कर दो आज बस। अच्छा, कल मैंने शायान भाई आपको मिस किया यार। कल मैं बहुत थका हुआ था, बहुत ज्यादा मैं पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, क्योंकि कल अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तान और इंडिया सेम स्ट्रीम में है। तो मैंने कहा यार अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूं। सब सही जा रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ना रोक ले यार, वही मैं कह रहा हूँ। वो आगे से ना, मैंने जैसे कि बताया कि आईपीसी मिनिस्ट्री इज सेइंग कि पीएफएफएनसी ने सही डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं दिए। मुझे जो पीएफएफ से खबर मिल रही है वो कह रहे हैं हमने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंटेशंस दिए हैं। तो अभी तक मुझे यही समझ आ रहा है जो ये चल रहा है अभी तक मेरे पास जो सोर्सेज है। अच्छा सौगात बानिया, अरे वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, पहली बार आप आए हो। पाकिस्तान फ्रेंडली मैच विच कंट्री ब्रो, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये खबर मिली है कि कम अज कम एक फ्रेंडली मैच लाजमी होगा, हालांकि दो ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। 12 जून से 20 जून तक की विंडो है, जून की विंडो, उसमें दो मैचेस करवाने चाहिए, लेकिन मुझे बोला यही जा रहा है अभी तक कि वन मैच तो लाजमी खेलेगी पाकिस्तान बिफोर साफ मैच चैंपियनशिप। आई एम फ्रॉम इंडिया, होप सी यू इन इंडिया रुशवा। ओह थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत खुशी हुई आपने ज्वाइन किया है। एंड आई होप टू सो टू के पाकिस्तान खेले इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए खास तौर पर बड़ा जरूरी है कि वो इंडिया में खेले, बिकॉज जो कल ड्रॉ है उससे साफ पता लग गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड इम्पेरेटिव इट इज फॉर अस टू प्ले। काफी टाइम से स्ट्रीम पे नहीं आया, बिजी विद एग्जाम्स। भाई मैं खुद ऑफिस में बिजी रहा हूँ, मैं खुद स्ट्रीम नहीं कर पाया।
मैं खुद भी 7-8 दिन बाद स्ट्रीम कर रहा हूँ. विल ईसा बी अवेलेबल फॉर साफ कप इफ वी गेट द एनओसी? यार देखो, ये जो मैंने लाइन अप बनाई है ना, जो मेरे बिल्कुल साथ आपको नजर आ रही है, राइट फुटेड सेंटर बैक है ईसा सुलेमान, ठीक है, वो खेलेगा. ही इज गोइंग टू प्ले. मेरा ईसा सुलेमान लाजमी खेलेगा. एस्टन विला की अकेडमी से निकला हुआ ये लोंडा है. ये जितने भी आपको एस्टेरिक्स में नजर आ रहे हैं और स्टार में नजर आ रहे हैं, ये सारे डायस्पोरा प्लेयर हैं. ये दो विंगर्स हैं, अब्दुल समद, कोटिस खान डायस्पोरा प्लेयर है, आदिल नबी डायस्पोरा प्लेयर है. आदिल नबी का प्रॉब्लम ये है, उसका अभी तक पासपोर्ट इशू नहीं किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने. उसकी स्पीड अप करने के लिए उसको पाकिस्तान आना पड़ेगा. ही विल हैव टू कम टू पाकिस्तान, वरना वो बहुत देर लगेगी, 9 महीने भी लग सकते हैं. तब तक तो फीफा क्लब, फीफा जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, वो भी गुजर चुका होगा, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते. दूसरी क्या चीज है? दूसरी है हारून हामिद, क्यूपीआर का है, क्यूपीआर अंडर 21 टीम में खेल रहा है. अब्दुल्ला इकबाल डेनमार्क में पैदा हुआ है, डेनमार्क की लीग में सेकेंड डिवीजन में खेल रहा है. अपना शेर खान जो है वो आई थिंक कतर कतर की फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन में खेल रहा है, लोसेल सिटी के लिए. तो ये भी आ रहा है, मुझे ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि ये आ रहा है. एक हमजा है लड़का, वो हो सकता है खेले. हमजा गोलकीपर है, हमजा दुबई की लीग में खेलता है. तो दैट कैन बी, ही कैन बी द 8th डायस्पोरा प्लेयर. इससे ज्यादा कोई नाम नहीं आएगा, मुझे जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, कोई नाम नहीं आएगा जो मुझे अभी तक पता लगा. अच्छा, आगे कमेंट्स लेते हैं. शिवू पटेल कह रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. हाँ भाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. और होपफुली 21 तारीख को 7 बजे मैं यहाँ पे बैठ के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया की. और होपफुली हमें एनओसी, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन समेत ओवर द लाइन हो जाएगी. आज सुबह काफी पॉजिटिव न्यूज आई है, मैं वो न्यूज भी शेयर करूंगा, आर्टिकल भी शेयर करूंगा. लेकिन लेट्स सी के आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक यही है कि पॉजिटिव न्यूज आ रही है. एएफसी एशिया कप इंडियन ग्रुप के बारे में बताओ. एएफसी एशिया कप इंडियन ग्रुप के बारे में बताओ, इंडिया कहाँ तक जा सकती है? यार मैं इसके बारे में कल मैंने काफी डिस्कस किया है, मूसा भाई के साथ भी मैंने किया है और हिरेन भाई के साथ. आई थिंक इंडिया कैन फिनिश सेकेंड, इवन दो मुझे नहीं लगता इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है. ये मेरा बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन है. उज्बेकिस्तान को आप लोग हरा दोगे. और तीसरी जो टीम है, जो जो आपने बताया, सीरिया भी काफी स्ट्रांग टीम है, बट 101 पे इंडिया है, 90th रैंक पे सीरिया है. तो सीरिया को भी हराया जा सकता है अगर इंडिया अपने होम पे खेल रही है. तो सेकेंड पोजिशन को बिल्कुल आउटकास्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि सेकेंड पोजिशन अचीवेबल नहीं है. तो दैट्स माई ओपिनियन राइट नाउ ऑन दैट. शायान भाई, हारने का इतना दुख नहीं है, मॉड्रिच वॉज क्राइंग दैट ब्रोक माई हार्ट. यार मैं वही हैरान था कि क्रूज और मॉड्रिच को हटा दिया लेकिन बेंजिमा को नहीं हटाया, जो कि बहुत शिट खेल रहा था कल. बेंजिमा वॉज रियली शिट यस्टरडे. मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये परफॉर्मेंस फ्रॉम बेंजिमा, टू बी ऑनेस्ट. तो मुझे खुद दुख है, लेकिन हम क्या करें, अब हम वक्त को वापस नहीं लेके आ सकते. ईसा सुलेमान को कैप्टन होना चाहिए. इंग्लैंड अंडर 19 का भी कैप्टन था. हाँ, अंडर 19 का भी कैप्टन था, बिल्कुल सही कहा. ही वॉज द कैप्टन ऑफ द अंडर 19 टीम. काइल वॉकर के साथ खेला हुआ है, ट्रेंट के साथ खेला हुआ है. ट्रेंट उसका दोस्त भी है, उसको फॉलो भी करता है इंस्टा पे, लाइक भी करता है उसकी तस्वीरें. सो दे हैव अ प्रिटी गुड रिलेशनशिप. आपके यहाँ बिरयानी बिल आता है या नहीं? बिरयानी बिल आता है, बिल्कुल आता है. बिरयानी का भी आता है और पुलाव का भी आता है, पानी बिजली गैस सबका आता है. दिस गेम इज मस्ट, इट विल बूस्ट द वॉचिंग एंड हेल्प द फुटबॉल इन बोथ नेशंस. हाँ भाई दानिश भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये बड़ा जरूरी है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट स्पेशली फॉर इंडिया. क्योंकि उनके देखो रेवेन्यू जनरेशन तो होगी होगी, मार्केटिंग होगी, बहुत हाइप भी मिल सकती है वहाँ पे कमर्शियल लेवल पे. मैं क्वालिटी लेवल पे बात नहीं कर रहा अभी, मैं अभी कमर्शियल लेवल पे बात कर रहा हूँ. आई थिंक कमर्शियल लेवल पे जो इम्पैक्ट आएगा इस मैच का साफ चैंपियनशिप पे, वो बहुत तगड़ा होगा. बाद में अगर ना आ पाए तो कल्याण चौबे को ब्लेम ना दे 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 के इन्होंने रोक लिया. नहीं, मैं आपको भी आर्टिकल दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको बल्कि आर्टिकल शेयर कर देता हूँ, मैं आपको आर्टिकल शेयर कर देता हूँ. रुको, किधर है आर्टिकल? वेट 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 वेट, वेट. यहाँ पे मैंने सेव करके रखा हुआ था. हाँ ये ठीक है, मिल गया. ये डॉन का आर्टिकल है. डॉन सबसे, आप कह लो सबसे पुराना अखबार है. इट वॉज फाउंडेड बाय द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायद आजम हिमसेल्फ. और बहुत ज्यादा क्रेडिबल ये अखबार है पाकिस्तान में, डॉन न्यूज जो है. तो इसमें साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से प्रॉपर क्लियरेंस है. प्रॉपर क्लियरेंस है, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ. इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान विल फाइंड वेलकमिंग सिक्योर एनवायरमेंट एट साफ कप इन इंडिया. ये फिर ये जो ड्रॉज है इसकी भी तस्वीर है. एंड कराची में ये लिखी गई है, ये पूरा ये आर्टिकल है. इसमें लिखा हुआ है कि इवन दो क्रिकेट बोर्ड के जो ताल्लुकात अभी काफ़ी वो चल रहे हैं, उसमें काफ़ी टसल है,
जो दूसरे मामला है फुटबॉल की तरफ से, वहां पे काफी मामला ठंडा है और काम है। और उसके साथ फिर लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शाजी प्रभाकरण, वो जो हैं उन्होंने डॉन को इंटरव्यू दिया और उन्होंने उसके अंदर बोला है कि पाकिस्तान विल फाइंड अ वेलकमिंग एंड सिक्योर एनवायरमेंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो इंडिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने अखबार ने कह दिया। तो द होल प्रॉब्लम इज राइट नाउ द आईपीसी मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, विच इज द इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री, जिसके हेड, जिनको मैं बड़ी गालियां दे चुका हूँ, उनका नाम है एहसान उर रहमान मसारी। तो ये अभी तक सिचुएशन है और इसके अंदर आर्टिकल में साफ ये चीज लिखी हुई है। अच्छा, और हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, यमसीता आले मागर, आई एम फ्रॉम नेपाल। अरे वेलकम फ्रॉम नेपाल ब्रो, वेलकम, होप टू सी यू टू इन साफ मेंस चैंपियनशिप एंड होपफुली वी विल प्ले। एंड मुझे उम्मीद है कि कोई नेपाल का यूट्यूबर भी मुझे मिल जाए जिसको मैं बुला सकूं अपने चैनल पे। मैं तो चाहूंगा, मैं थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहूंगा मालदीव्स का। तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि वहां पे जो मालदीवियन लीग है उसमें हमारे दो पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं। तो जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें 8 टीमें खेलती हैं, जो सेकंड डिवीजन है उसमें 10 टीमें खेलती हैं। सेकंड डिवीजन में हमारे दो पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं, साकिब हनीफ और अब्दुल्ला शाह, सैयद अब्दुल्ला शाह। एक गोलकीपर है और एक सेंटर बैक है। चांगते खोल देगा उमर हयात को, बिल्कुल सही कहा। उमर हयात इज ए लोकल प्लेयर और उमर हयात इज द प्रोबेबली द वीकेस्ट लिंक इन आर डिफेंस, अगर सच पूछो तो। आई थिंक हमें एक डायस्पोरा प्लेयर उस पोजिशन में चाहिए, राइट बैक में। अगर कोई मिल जाए हमें साफ मेंस चैंपियनशिप से पहले तो वो बेहतर होगा, लेकिन मुश्किल है कि कोई आए। आपके यहाँ बिरयानी बिल, हाँ मैं जवाब दे चुका हूँ भाई। अच्छा, नायन वसावा ने कहा था ये, नायन वसावा। अच्छा, सुरेश सिंह कह रहे हैं वांगजाम कहीं डर ना गया हो इतने सारे फॉरेन एक्सपीरियंस प्लेयर्स देख के पाक के। नहीं, दे आर नॉट एक्सपीरियंस प्लेयर। एक दो आप कह सकते हो दे आर प्रीटी मच एक्सपीरियंस, जैसे अब्दुल समद अरशद है, वो 20 साल का लड़का है सिर्फ, ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, तो उसको तो आप एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। हाँ, ओटिस खान इज एक्सपीरियंस, हारून हामिद सिर्फ 19 साल का है, क्यूपीआर वाला जो लड़का है। साथ में आप देख लो आदिल नबी इज एक्सपीरियंस, वो आई होप आ जाए, आई रियली होप। वो 29 का है, वेस्ट ब्रोम की अकेडमी से निकला है। अब्दुल्ला इकबाल भी यार 20 साल का है, 20-21 साल का है, वो भी ही इज नॉट एक्सपीरियंस। ईसा सुलेमान, हाँ वो 25-26 का है, ही इज प्रिटी प्रिटी गुड, प्रिटी एक्सपीरियंस। पोर्चुगीज की सेकंड लीग में खेल रहे, डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में है वो, तो ये अभी तक है, बट मोस्टली एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने वही बताया था कि डायस्पोरा प्लेयर्स जब नहीं थे हमारी एवरेज एज 22 साल थी, पाकिस्तान की एवरेज एज जो थी वो 22 साल थी। अच्छा सर, एनओसी का क्या सीन है? इश्तियाक भाई, एनओसी जो है ना, फिलहाल जो है मैं आपको यही खुशखबरी दे सकता हूँ कि एहसान और रहमान मजारी ने हमारे ट्वीट्स पढ़े हैं, हमारी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी हैं, उसको हमने वो जो है क्या कहते हैं, उसको पता हो कि पाकिस्तान में फुटबॉल फैंस भी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए लड़ रहे हैं, तो वो उन्होंने देखा है। और उसकी बेस पर उन्होंने ये जो मैंने आर्टिकल अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया दिखाया, उसके अंदर इन्होंने स्टेटमेंट बकायदा दी हुई है डॉन के आर्टिकल में कि मैं जो हूँ मैं नहीं रोक रहा एनओसी को, मैं तो चाहता हूँ कि एनओसी जो है वो आगे फॉरेन मिनिस्ट्री के पास जाए और इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाए। लेकिन अभी मुझे भूल गया हमारा इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर तो वो है बिलावल। तो अभी ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर आई थिंक वो है राणा सनाउल्लाह है, राणा सनाउल्लाह या द विलन ऑफ पाकिस्तान, खैर एनीवेज। तो ये जो है ना, ये मामला थोड़े से लंबे हैं, तो इसको कैरी आउट करने में, ओवर द लाइन करने में हमें लड़ते रहना होगा, खास तौर पे पाकिस्तानी फुटबॉल कम्युनिटी को। तो ये है कि अभी तक वो उन्होंने वहां से, तो वो कह रहे हैं कि मैं आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि PFF की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो हमें नहीं डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रही, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे अभी नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर। तो ये है शायान भाई, माय वर्स्ट सीजन येट एज अ फुटबॉल फैन। अरे बात भाई, तुम अगर लिवरपूल फैन होते तो तुम्हें पता लगता कि ये वर्स्ट सीजन क्या होता है। 2012 का सीजन अगर तुमने देखा होता। खैर, इफ पाकिस्तान बीट इंडिया देन उज़्बेकिस्तान एंड सीरिया वोंट फेस विल वांट टू फेस पाकिस्तान फॉर अ टेस्ट ट्राई। यार मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन इट वाज अ नाइस सरकास्टिक कमेंट। सौगात बानिया का ये कमेंट है। दानिश भाई क्या कह रहे हैं, दानिश भाई हमारी परछाई, इफ इंडिया क्वालिफाइज इट विल बी अ हिस्टोरिक मोमेंट, आई हैव जीरो होप्स लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस नॉट द रिजल्ट। यार इंडिया तो जीतेगी साफ कप, क्या बात कर रहे हो तुम, साफ चैंपियनशिप तो वो जीत रहे हैं और दूसरा भी वो इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी, मैंने सुना है दे आर इन अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू विन दैट एज वेल, और इंडिया फाइनल तो खेलेगा साफ कर फॉर श्योर। अच्छा आगे क्या है,
yesterday except Courtois, every single हाँ Courtois played well as well. Benzema was absolutely shit. Well, Verde भी यार नहीं, वो work rate नजर नहीं आया. I don't know. कामाविंगा का तो बलात्कार कर दिया बर्नार्डो सिल्वा ने, पता नहीं क्या कर रहा था वो कामाविंगा. I had no idea. उसको खिलाया भी थोड़ा सा अजीब पोजिशन में, आउट ऑफ थोड़ा पोजिशन उसको खिलाया. मैंने काफी लोगों से ये मैं सुना है, जो मैंने मैच भी देखा, मुझे लग रहा था कि वो उस तरह से नहीं खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग मोर लाइक अ फुल बैक. वो डबल पिवट में आके इतना ज्यादा नहीं आता, खासतौर पर फर्स्ट हाफ में जब बर्नार्डो सिल्वा ने वो और 60th 70th मिनट तक यही सीन था. तो ये है. और अच्छा आगे क्या कहते हैं दोस्त, स्पाइडी क्या कह रहे हैं? स्पाइडी कह रहे हैं अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो पाकिस्तान की रैंक कितनी बढ़ेगी. यार इट इज पॉसिबल कि 10 से 15 रैंकिंग बढ़ सकती है अगर आप अपने से कोई 30 या 40 गुना ऊपर वाली रैंक टीम को हरा दो. और ये तो 90 गुना ऊपर हमारी टीम है, मतलब ये 101 पे है, हम लोग 196 पे बैठे हैं. तो बहुत रैंकिंग बढ़ेगी, बहुत फायदा होगा. इट इज पॉसिबल कि हम 190 से उठ के सीधा 170 या 168 पे चले जाएं. इट इज प्रीटी मच पॉसिबल, लेकिन ये होने नहीं वाला. ये होने नहीं वाला. तो क्योंकि मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ इस मामले में, मुझे नहीं लगता हम इंडिया को हरा सकते हैं. वी डू हैव अ चांस अगेंस्ट क्या नाम है उसका, कुवैत. कुवैत को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, हरा भी सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन. अगर ये जो मैंने अभी लाइनअप दिखाई थी, ये लाइनअप खेले, ये डायस्पोरा प्लेयर्स की लाइनअप जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो आई थिंक, बल्कि मैं दोबारा शो कर देता हूँ. रुको यार, दोबारा शो करते हैं यहाँ पे. हाँ अच्छा ठीक है, अब मेरे ख्याल से नजर आ रही. हाँ इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ. हाँ. अगर ये लाइनअप खेलती है ना भाई, तो वी डू हैव अ चांस ऑफ यू नो गेटिंग मोर देन वन विन. आई थिंक वी कैन डेफिनेटली बीट नेपाल विद दिस लाइनअप, मुझे पूरा बिलीफ है. और कुवैत को भी हम बड़ा टफ टाइम देंगे. एंड इंडिया को हम हरा तो नहीं सकते, ड्रॉ भी बड़ा मुश्किल है, बट वी विल गिव देम अ टफ टफ टाइम विद दिस लाइनअप, अगर ये लाइनअप खेलती है. और मैं यही चाहता हूँ कि एक क्लोज मुकाबला हो बिटवीन इंडिया पाकिस्तान. ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो तो उसमें मुकाबला अच्छा ना हो. मुकाबला अच्छा होना चाहिए, बाकी जो जीते वो मे द बेस्ट टीम विन. बट आई थिंक वी आर केपेबल ऑफ गेनिंग मोर देन 4 पॉइंट्स, वी आर डेफिनेटली केपेबल. अच्छा दानिश भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नेपाल के एक यूट्यूबर आए थे मूसा भाई के चैनल पे, उनसे पूछो बता देंगे. यार वो मुश्किल है मेरे चैनल पे आए, क्योंकि मूसा भाई के तो काफी सब्सक्राइबर हैं. और वो क्या नाम है उसका, दवार शो नाम है उनका. हाँ उनके काफी सब्सक्राइबर हैं, इज प्रीटी बिग. अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, अच्छा ये मैं कर दूंगा, उज्बेकिस्तान में क्या कह रहे हैं प्राण भाई. हाँ उज्बेकिस्तान इज डोमिनेटिंग अंडर 20 अंडर 23 अंडर 17 एशिया कप, सो सीनियर भी टफ रहेगा. नाउ दे आर इम्प्रूविंग किए, लेकिन देखो आप इंडिया को भी तो देखो ना, इंडिया ने 3-3 ड्रॉ किया उनकी जो अंडर 17 टीम है रियल मैड्रिड की, फिर एटलेटिको मैड्रिड को भी हरा दिया, गेटाफे को भी आई थिंक हरा दिया था, राइट. तो उनकी अंडर 17 टीम भी बहुत तगड़ी खेल रही है, अंडर 20 टीम भी तगड़ी खेल रही है. तो आने वाला फ्यूचर जो है वो इंडिया का बहुत तगड़ा है, जो कि मतलब कोई भी न्यूट्रल फैन आपको ये आप उसे पूछ लो वो यही कहेगा, चाहे वो नेपाल का हो या पाकिस्तान का. माय प्रेडिक्शन इन साफ कप होगा इंडिया कुवैत पाकिस्तान नेपाल. या दैट्स प्रिटी रियलिस्टिक, दैट्स प्रिटी रियलिस्टिक, मैं इसे डिसएग्री नहीं करूंगा, ये रियलिस्टिक है. सोहेब, बट मैं एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली चाहूंगा कि हम सेकंड जरूर फिनिश करें. तो ये है कि क्या इंडिया 2026 में फीफा खेल पाएगा. सोहेब खान वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यार मुझे 2030 लग रहा है कि 2030 में इंडिया कर लेगा. 2026 में आप धनराज धुर्वे का भी आप जाके यूट्यूब देखो, वो सबसे अच्छा कंटेंट बनाते हैं इंडियन फुटबॉल पे, सबसे ज्यादा नॉलेज भी उन्हीं की है. वो भी ये कहते हैं कि नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना पूरा 4-5 पॉइंट्स उन्होंने बताए कि क्यों नहीं हो सकता. आप उनकी वो वीडियो देखो, वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है. तो आई थिंक 2030 या इट इज रियलिस्टिक इन 2030. अच्छा इबादुर रहमान कह रहे हैं, शायान भाई ईसा सुलेमान को सेंटर बैक खिलाना चाहिए, डू यू एग्री? यस, क्योंकि यार वो खेलता ही राइट फुटेड सेंटर बैक है. और अब्दुल्ला इकबाल जो है ना, वो अब्दुल्ला शाह वाली जगह पे खेल सकता है, लेफ्ट फुटेड खेल सकता है, बल्कि अब्दुल्ला इकबाल के दोनों फुट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसको मैंने भी डीएम लिखा हुआ है. तो वो सेंटर बैक खेल सकता है. अगर मेरे से पूछो मेरी प्रेफरेबल सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी, वो ईसा सुलेमान होगा और वो डेनमार्क वाला अब्दुल्ला इकबाल होगा. मैं अब्दुल्ला शाह को इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि अभी वो मालदीव की सेकंड डिवीजन में खेल रहा है, ठीक है. डेनमार्क की सेकंड डिवीजन में एक लड़का खेल रहा है और अब्दुल्ला शाह कहाँ खेल रहा है, मालदीव की सेकंड डिवीजन में. तो वो दोनों में ना बहुत फर्क है, दोनों की क्वालिटी में काफी फर्क है. डेनमार्क इज अ मच बेटर लीग.
तो मैं मेरे से पूछोगे तो हम मुझे तो वही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। अगर एतजाज हुसैन आ जाता है, जो कि ग्रीस नहीं सॉरी हाँ डेनमार्क की आई थिंक फर्स्ट डिवीजन में, नहीं नॉर्वे की फर्स्ट डिवीजन में खेल रहा है, यस, जहाँ से हालैंड आया है, तो नॉर्वे की नॉर्वेजियन फर्स्ट डिवीजन में वो खेल रहा है, 6 टाइटल्स वो जीत चुका है। आई थिंक इफ ही कम्स तो फिर अब्दुल्ला इकबाल को आप देखोगे और आप ईसा सुलेमान को देखोगे सेंटर बैक पेयरिंग में मोस्ट लाइकली। अच्छा दानिश इकबाल क्या कह रहे हैं, दानिश इकबाल कह रहे हैं लिवरपूल विनिंग यूसीएल और पाक क्वालिफाइंग। भाई 50 साल तक बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सके। हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता है कि काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई विल चूज इंडिया क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप देश से बढ़कर है। हाँ ऑब्वियसली देश, ऑब्वियसली पाकिस्तान को मैं ज्यादा वो करूंगा, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है। उज्बेकिस्तान 74 रैंकिंग इन फीफा रैंकिंग्स, या उज्बेकिस्तान इज प्रिटी, ये मेंस टीम का बता रहा हूँ ना, मेंस टीम का, राइट, मेंस टीम में काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है इंडिया कैन बीट उज्बेकिस्तान। आई थिंक इंडिया इंडिया विल बीट, मेरी प्रिडिक्शन ये इंडिया विल बीट उज्बेकिस्तान। चांगते राइट विंग खेलता है, सो लेफ्ट बैक के साथ टक्कर रहेगा। हाँ वो राइट विंग, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्राण भाई ने सही बिल्कुल किया बोला, यहाँ पे वो राइट विंग खेलता है, वो सलाह वाली पोजीशन में खेलता है, सही बोला। राइट बैक के अगेंस्ट हमारा वो होगा महेश सिंह होगा, यस, या फिर बिपिन सिंह होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो बिपिन सिंह इज ऑल्सो प्रिटी गुड, बिपिन सिंह इज ऑल्सो प्रिटी गुड, वो भी इनसाइड आउट रन निकालता है, बाहर की तरफ भी रन निकालता है, ओवरलैप रन निकालता है, अंडरलैपिंग रन निकालता है, तो ही विल गिव प्रिटी डिसेंट एंड टफ टाइम टू उमर राव हयात। ये उमर राव हयात की जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट होगा ये, नो डाउट अबाउट इट, बिपिन सिंह या जो भी खेलता है। वैसे मेरी प्रेफरेंस वैसे बिपिन सिंह होगी, अगर मैं कहता कि यार मैं अगर इंडिया से होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहता यार बिपिन सिंह खेले, लेकिन चलो लेट्स सी। क्या कहते हैं दानिश भाई, प्राण भाई चांगते एलएम में पे अच्छा खेलता है और राइट आरएम में मनवीर बेटर है। आरएम में आजकल खिला ही नहीं रहे मनवीर सिंह को, खेल ही नहीं रहा आजकल तो, इवन दो मेरा बड़ा फेवरेट है मोहन बगान के लिए भी अभी रिसेंटली खेल रहा है, लास्ट सीजन तो था वो आई थिंक। मैं दुआ करूंगा मिल जाए, हाँ होपफुली यार हम सब यही दुआ कर रहे हैं। अच्छा दानिश भाई कौन था वो यार, सुशांत भाई वो था यार, आप मेरे ख्याल से नेपाल से हो, वो थे वारशो, वारशो आई थिंक इज प्रिटी बिग इन नेपाल, काफी लोग जानते हैं उसके बारे में, फुटबॉल चैनल है। हमारे 16 मिलियन फंसे हुए हैं, इफ यू नो यू नो। एक महान इंसान ने कहा था, एहसान और रहमान मजारी, देखें ये जो है ना ये इलेक्शन जल्दी से नहीं करा रहे, हमारे 15-16 मिलियन फंसे हुए हैं वो नहीं निकल रहे, जब तक ये 15-16 मिलियन नहीं आएंगे हमारा जो है दाना पानी नहीं चलेगा, हम अमीर नहीं हो पाएंगे, तो प्लीज आप जल्दी से इलेक्शन करा दें। वो जो है हमें मिल जाए और हम उससे क्या करें, स्टेडियम रेनोवेट करें। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बैठ के बंदा झूठ बोल रहा है, सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। खैर छोड़ो छोड़ो, ऐसे बहुत लोग हैं भाई यहाँ पे। एएफसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एएफसी ग्रुप की बात कर रहा, अच्छा एएफसी, ओके ओके आई गॉट इट आई गॉट। प्राण भाई क्या कह रहे हैं, मनवीर हक देता विंग्स पे इंटरनेशनल पे, यार मैंने तो काफी लोगों से सुना है, जो मुझे इंडियन दोस्तों ने बताया है कि वो स्ट्राइकर नहीं खेल सकता, उसको पहले स्ट्राइकर भी खिलाया था मनवीर सिंह को, उसको नंबर 10 रोल में भी खिलाया है मनवीर सिंह को, उसको राइट विंग पे भी खिलाया हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं हिज स्ट्रेंथ इज राइट विंग, अब आई डोंट नो आई डोंट नो आई रियली डोंट नो। अच्छा स्ट्राइकर ईशान पंडिता है, काउंटर पे पेस चाहिए, आई थिंक वही होगा मोस्ट प्रोबेबली वही होगा अगेंस्ट पाकिस्तान। नेपाल विल बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज दिस टाइम, इवन वी नेपालीज फैंस डोंट नो हाउ विल दे परफॉर्म। हाँ इससे मैं थोड़ा एग्री बिल्कुल करूंगा, उसका रीजन ये है कि आप लोगों की ऑलरेडी एक लीग है जो कि फंक्शनल लीग है, आप लोगों की पूरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक पूरी वो लीग का बताया हुआ है, वेमेंस लीग भी चल रही है, 2021 तक तो वेमेंस लीग चल रही थी, अभी मुझे नहीं आइडिया। तो मुझे ये बताना कि आपके कितने उसमें होते हैं, आपकी लीग में कितने टीम्स खेलती हैं, हाउ मेनी, एंड आर देयर डिपार्टमेंट टीम्स एंड क्लब टीम्स एज वेल, ये मुझे जरूर बताना। क्या नाम है सुशांत भाई, अच्छा अंत फील्ड्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, क्या लिवरपूल फिनिश करेगी टॉप 4 में? भाई ये सवाल पूछ के तुमने मेरे दिल को धड़का दिया, क्योंकि लिवरपूल से तो हम इश्क करते हैं, अब क्या करें। होपफुली अगर ब्राइटन ने न्यूकासल को हरा दिया, अगर हरा दिया, देर इज
देयर इज अ ग्रेट चांस, क्योंकि न्यूकासल का आखिरी मैच लास्ट डे पे चेल्सी से है और चेल्सी को फिर ड्रॉ करना होगा न्यूकासल से। लिवरपूल को ऑब्वियसली एस्टन विला को भी हराना होगा, साउथहैम्पटन को भी हराना होगा। एस्टन विला बहुत बड़ा टेस्ट है, उनाई एमरी को हल्का नहीं लेना। मेरी तो हमेशा फटरी होती है जब उनाई एमरी और लिवरपूल का आमना सामना होता है, तो मुझे तो डर लगता है, लेकिन लेट्स सी, होपफुली वी विल, बट इट्स एन आउटसाइड चांस। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मनवीर फेवरेट है इगोर का, वो तो खेलेगा, ओके, ही इज ऑल्सो माई फेवरेट, सो या दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान। चिंता मत करो, लॉर्ड भेके राइट बैक पे अपने टांगे उठा देगा, पाक का लेफ्ट विंग को इजी रहेगा। हाँ, ओटिस खान इज प्रिटी गुड, मेरे ख्याल से अगर ये एक बहुत बड़ी थ्रेट होगी तो आई थिंक ओटिस खान और अब्दुल समद होगा। अब्दुल समद के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके आपका जो विंगर है ना उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, आपके विंगर को ये पता होना चाहिए सही डिसीजन मेकिंग कब करनी, ठीक है। ही इज वेरी टैलेंटेड, वेरी गुड प्लेयर, लेकिन एक्सपीरियंस, अभी सिर्फ 20 साल का है वो, ठीक है, उसको टाइम लगेगा। उसको अभी अगर हम हारते हैं ना तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस मौसमी आएंगे कि यार हार क्यों गए, और ये जो राइट विंगर है ये अच्छा क्यों नहीं खेल रहा, उनको ये नहीं समझ आएगा कि यार वो 20 साल का है। तो कर्टिस जोन्स को भी 22 साल लग गए अपने आप को ग्रूव में लाने के लिए लिवरपूल में, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, एंड इट टेक्स द राइट सिस्टम फॉर अ प्लेयर टू यू नो जेल इन टू अ सिस्टम, तो ये मुझे लगता है। अच्छा प्राण भाई, नेपाल हैव द बेस्ट रिजल्ट अगेंस्ट कुवैत अमंग द साउथ एशियन नेशंस, इट वॉज 4-1 व्हेन वी मेट देम इन एशियन क्वालिफायर्स बैक इन 2022। ओ, आप लोगों का डायस्पोरा प्लेयर वाला सिस्टम तो नहीं है ना, नेपाल का तो सिस्टम नहीं है डायस्पोरा प्लेयर वाला। फुटबॉल में कोई भी टीम को वीक नहीं सोचना चाहिए, क्या पता कब कौन पासा पलट दे, इफ पाकिस्तान बीट इंडिया एंड नेपाल बीट कुवैत तो मजा ही आ जाएगा। यामसिता, मेरे ख्याल से यामसिता जो है वो मेरे ख्याल से नेपाल से है, सो या हाँ, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, इससे तो मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा, वो तो कुछ भी सकता है, इट्स प्रीटी मच पॉसिबल, लेकिन मैं जो हमारी साइड है, जो हमारी लाइनअप है, जो हमारे हालात है, देखो आपको पॉलिटिकल हालात को भी देखना होता है, आपको ये भी देखना होता है कि एक मुल्क के अंदर लीग चल रही है कि नहीं, नेपाल की चल रही है, इंडिया की चल रही है, आई थिंक भूटान की भी चल रही है, कुवैत की तो ऑब्वियसली चल रही है, वो तो बड़ा अच्छा उनका लीग सिस्टम, उनके डायस्पोरा प्लेयर भी है, तो वो जो है वो भी आपको ना साथ में वो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। चैन भाई, मैड्रिड से, मैंने कभी भी यूसीएल डिमांड नहीं किया, मगर अगले सीजन आई वांट मैड्रिड टू विन यूसीएल, ताकि फुटबॉल के लेजेंड्स क्रूज और मॉड्रिच को अच्छा फेयरवेल मिल जाए। आर दे स्टेइंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, मुझे तो खबर यही आ रही है कि दे विल स्टे, हालांकि क्या नाम है, सऊदी प्रो लीग से काफी अच्छी ऑफर आई थी मॉड्रिच को, उसने लेकिन मना कर दिया था, तो अभी तक तो मुझे यही न्यूज पता है। अच्छा, स्पोर्ट्स टीवी, कुवैत के लास्ट 10 रिजल्ट देख लो, पाकिस्तान कुवैत को नहीं हरा सकता। भाई बात वही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पॉइंट्स रियलिस्टिक है, मैंने हमेशा ये कहा है एनीथिंग अबाउट दैट इज अ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पॉइंट्स इज डेफिनेटली रियलिस्टिक, उससे ऊपर जो भी होगा बोनस। यमसीता क्या कह रहे हैं, यमसीता कह रहे हैं भाई नेपाली यूट्यूबर आया है सुशांत राज। अच्छा सुशांत भाई, आप नेपाल के यूट्यूबर हो, सुशांत भाई अगर आप आना चाहते हो कभी, क्या कहते हैं, मेरे पॉडकास्ट पे, तो आप बिल्कुल आ सकते हो, थोड़ी हम डिस्कशन कर लेंगे नेपाल पे भी और क्या कहते हैं पाकिस्तान पे भी, तो वो मजा आएगा उसमें, तो मुझे बताना अगर कभी फ्री हुए। मनवीर इंजर्ड है, वो नहीं खेलेगा। अच्छा वो इंजर्ड है, ओके, आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो दैट। सुशांत राज इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर ऑफ नेपाल, थैंक्स दादा एस आर आर जी, ओके ओके ओके, ठीक है, मैंने सुशांत भाई को आपके सामने इन्वाइट कर लिया, अब मैं देख लेता हूँ अगर उनका जवाब आ जाता है। पस गिल, अच्छा रोशन सिंह, हाँ वो जो कहाँ खेलता है, वो राइट बैक पे खेलता है वो, रोशन सिंह या अनवर अली, साना सिंह, आकाश मिश्रा तो लेफ्ट बैक है, यस अपुया सेंटर बैक है, जैक्सन सिंह डबल में खेलता है, या ये कोलासो कौन है, हु इज कोलासो, मानवीर ईशान पंडिता, ओके 4-2-3-1, माई 11 फॉर इंडिया वर्सेज पाक, सुनील सर एज, अच्छा सुनील छेत्री सर को नहीं खिला रहे, ओके आई एम सरप्राइज एट दैट, मेरे ख्याल से उनको खिलाना चाहिए, लेकिन ओके लेकिन हाँ वो डिक्लाइन कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल है। कुवैत भाई 30 लोग देख रहे हैं, लाइक ठोको और सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, मैं बहुत कम बोलता हूँ ये, लेकिन लाइक ठोको सब्सक्राइब जरूर ठोको, ताकि थोड़ा सा जो है ना चैनल को थोड़ा सा एक मेरी आवाज पहुंच सके पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक। तो ये है एंड या कुवैत की अंडर 17 अंडर 20 टीम तो टट्टी थी, इंडिया अंडर 17 ने जम के पहला था, बाकी सीनियर टीम का नहीं पता।
हाँ सीनियर टीम जो है वो मोस्टली अपने लोकल प्लेयर्स को खिलाते हैं। प्रांत भाई मुझे ये सब मूसा भाई बता रहे थे। जोहेब भाई मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास मेसी की भी शर्ट है, रोनाल्डो की भी शर्ट है, अल नसर वाली। कल मैं पहनूंगा उसकी अल नसर वाली शर्ट होपफुली। वो असल में मैंने जो है ना उसको मैंने दिया हुआ धोने के लिए तो ये है, लेकिन उसमें मैंने अभी तक रोनाल्डो प्रिंट नहीं कराया, मैंने उस पर रोनाल्डो प्रिंट करवाना है। तो या आई लव बोथ ऑफ देम, मैं दोनों में भेदभाव नहीं कर सकता जो हिंदी में कहते हैं। खैर, कैन वी गेट अ प्रॉपर प्रोफेशनल क्लब लीग, साजिद हुसैन कह रहे हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर हेयर इन पाकिस्तान, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? यार एज अ फुटबॉल फैन ऑफ पाकिस्तान मुझे ये लगता है कि हमें 2024 तक मिल जाएगी लीग, अगर अगर बहुत बड़ा अगर है, अगर हारून मलिक साहब रहे। हमें जल्दी इलेक्शंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, हारून मलिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड सी शुड गेट एन एक्सटेंशन फ्रॉम फीफा। मैं ये बार बार बोलूंगा, हजार बार बोलूंगा, कुछ ऐसा हो कि एनसी को कम से कम 6 महीने की और एक्सटेंशन मिल जाए फ्रॉम फीफा। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, एटलीस्ट इफ हारून मलिक स्टेज, हमें एक ऐसी लीग मिल जाएगी जिसमें कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी और 12 से 16 टीमें पाकिस्तान प्रीमियर लीग में क्लब होंगी। वो अलग बात है कि वो AFC लाइसेंस्ड नहीं होंगी, लेकिन टू बिगिन विथ दे विल बी द क्लब्स विच विल प्ले इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग, और वो 2024 में ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है उससे पहले होगी, इम्पॉसिबल है। अच्छा ओके, क्या कहते हैं हमारे दोस्त, पाकिस्तान 2026 में क्वालिफाई करेगा या? ये बात याद रखो क्योंकि मेरा दिल कह रहा है। नहीं नहीं यार, देर इज नो पॉसिबिलिटी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन हमारा 50 साल तक कोई चारा नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, बिकॉज जब तक फैसल साले हयात से आपका छुटकारा नहीं होगा। फैसल साले हयात एक वोल्डेमॉर्ट है, आपको वोल्डेमॉर्ट से जान छुड़वानी पड़ेगी, आजादी हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान फुटबॉल एक सही डायरेक्शन में जाएगी, उससे पहले बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये अली हसन सर पाकिस्तान के सबसे बड़े फुटबॉल हिस्टोरियन, उनका पॉडकास्ट किया मैंने, वो भी बोलते हैं, ऑन द माइक वाले भी यही बोलते हैं। इवन मैंने कराची यूनाइटेड के मैनेजर का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही बोला कि 50 साल भी तब होगा अगर हर चीज अलाइन कर जाए। तो ये अभी चीजें हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा वाह वाह, आज तो काफी भीड़ आई हुई है आपकी स्ट्रीम पे शयान भाई। भाई मैंने जिंदगी में पहली बार 30 लोग देखे अपनी स्ट्रीम पे गरीब लोग गरीब यूट्यूबर अच्छा यार दोस्तों, सारे लाइक्स ठोकते रहो, सब्सक्राइब ठोकते रहो, थैंक यू। शायान भाई, ओटिस खान आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्लियरेंस मिल गई है, ओटिस खान विल कम। एंड आपको मैं ये भी बताता चलूं, मैंने आज ट्वीट की थी, ओटिस खान और ईसा सुलेमान ये दोनों जो है हमारे दोस्त, ये दोनों एक साथ खेल चुके हैं, लीग 1 डिविजन में भी खेले हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने, लीग 2 में भी खेले हुए हैं जो इंग्लैंड की लीग 2 और लीग 1 है, चैंपियनशिप में भी खेले हुए हैं, आई थिंक एक आध मैच खेले हुए हैं। तो या तो मजा आएगा यार, ये दोनों जब आएंगे मजा आ जाएगा। ये जापान उज्बेकिस्तान हमारी पीछे ही नहीं छोड़ रही, अंडर 17 एशिया कप में भी हमारे ग्रुप में है। हाँ वाकई, जापान बार बार मिलती है और लेबनान भी इंडिया को बार बार मिलती है, लेबनान भी 4 कॉम्पिटिशन में मिली है इंडिया को, अब विमेन्स एशियन गेम्स में भी ये आ गए। हाँ हाँ भाई ऐसे ही। अच्छा हमारे नेपाल वाले दोस्त कह रहे हैं कि सौगात बानिया कह रहे हैं 14 टीमें हैं इन ए डिवीजन। हाँ ए डिवीजन बोलते हैं राइट उसको, नेपाल कि जो फर्स्ट डिवीजन है ए, और उसको आनफा बोलते हैं ना, ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन, जो नेपाल की एसोसिएशन। आई नो ये। अच्छा मुझे इसका नहीं पता था कि 14 टीमें खेलती हैं आपकी फर्स्ट डिवीजन में। हमारे अभी पाकिस्तान प्रीमियर लीग जब तक बंद नहीं हुई थी तो 12 खेल रही थी उस टाइम तक, उसमें भी 8 जो थे वो डिपार्टमेंट्स थे, 4 जो थे वो फुटबॉल क्लब्स थे। 14 क्लब्स आर देयर इन नेपाल्स टॉप टायर, ओके सुशांत राज कह रहे हैं। मार्टर्स मेमोरियल ए डिवीजन लीग है, ठीक है। फिर इसमें क्या है डिपार्टमेंटल, इसमें अच्छा इसमें डिपार्टमेंटल मतलब है आर्म्ड पुलिस फोर्स भी है इसके अंदर, इसमें त्रिभुवन आर्मी की भी है, अच्छा आर्मी की भी है, और नेपाल की भी पुलिस फोर्स खेल रही है। ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है भाई। अच्छा कोई 18 साल के लड़के की बात कर रहे हो तुम, उसका नाम क्या है ब्रो? नयन वसावा, 18 साल वाले की कौन सा? अच्छा वो है 17 साल का यार, वो दो स्ट्राइकर है जो के डायस्पोरा प्लेयर्स है 17 साल के, वो अभी पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया है लेकिन उनका वीजा शीजा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ हुआ। एक मिकेल अब्दुल्ला है जो कि मैंसफील्ड में खेलता है, वो मेरे ख्याल से लीग 2 में खेल रहा है, 4th डिवीजन ऑफ इंग्लैंड। एक उस्मान खान है, वो वुल्व्स की अकेडमी से निकला है,
वो अभी 17 साल का है और साफ चैंपियनशिप तक वो 18 साल का हो जाएगा। तो वो उस्मान खान है, यस उस्मान खान है, और मिकैल अब्दुल्ला, वो दोनों ये शायद दोस्त वाली जगह पे खेल सकते हैं। मैंने नाम भी लिखा हुआ है, इसीलिए दोनों का मैंने नाम लिखा हुआ है कि ये दो रिप्लेसमेंट्स हैं फॉर द फ्यूचर। तो ये हो गया। अच्छा और क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा, 30 वॉचिंग ओनली, 13 लाइक्स, कम ऑन गाइस, मेक इट 30 भाई, लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो प्लीज। सुशांत राज, आप मूसा भाई और हेरेन भाई के साथ स्ट्रीम करो। हाँ दैट्स गुड, दैट वुड बी ग्रेट। कोई 18 साल के लड़के की बात कर रहे हो तुम, उसका नाम क्या है? यही नाम है भाई, यही नाम। अच्छा, सो दी डिफीट अर्जेंटीना, ओके डिफीटेड अर्जेंटीना, एनी थिंग इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कहा। सुबह भाई क्या कह रहे हैं? सुबह भाई कह रहे हैं रिलायंस NXT जनरेशन का प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है, फुल मैच है भाई। मुझे लिंक सेंड कर दो, मैं देख लूंगा, मुझे लिंक सेंड कर दो। मैं आजकल पाकिस्तान फुटबॉल में बहुत ज्यादा फंसा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जंग और लड़ाई चल रही है, तो मेरा सारा फोकस यहाँ पे है। आप मुझे लिंक भेज दो, मैं देख लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। गणेश नायक कह रहे हैं पाकिस्तान के कितने आ रहे हैं भाई? भाई मैक्सिमम 8 आएंगे, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम। अच्छा इश्तियाक भाई कह रहे हैं कि ओके सुशांत सर आ जाना, शायान सर भी अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू इश्तियाक भाई, थैंक यू थैंक यू। सुनील छेत्री क्या कह रहे हैं भाई हमारे दी गोट? हेलो हेलो ब्रो, हेलो हाउ आर यू ब्रो, व्हाट्स अप। सौरभ पंडित, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, योर प्रिडिक्शन? यार इन माय ओपिनियन आई थिंक पाकिस्तान विल बीट नेपाल, मुझे लगता है वी विल बीट नेपाल। अगर ये 8 डायस्पोरा खेलते हैं, 8, ये 8 के 8 अगर खेलते हैं, देयर इज प्रीटी मच अ चांस कि हम, क्लोज गेम होगी, बहुत क्लोज गेम होगी, 1-0, 2-1 हो सकता है, लेकिन एक लास्ट मिनट विनर हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वी कैन बीट, वी आर केपेबल। ओनली आई एम सेइंग दिस क्योंकि डायस्परा प्लेयर हमारे काफी अच्छी है, तो दैट्स द ओनली तरीका कि हम उसको हरा सकते हैं। अच्छा भाई कर भी सकते सकते हैं। हाँ सौरभ पंडित कह रहे हैं 2026 नेपाल विल क्वालिफाई फॉर एशिया कप और नॉट? दे शुड क्वालिफाई बिकॉज आई हैव सेट दिस टाइम एंड टाइम अगेन दैट दे आर प्रोग्रेसिंग इन ग्रास रूट्स एंड दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। इवन दो मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश नेपाल से थोड़ा आगे निकल गई है, काफी लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश काफी आगे निकल गई है, इंडिया तो ऑब्वियसली वो सुपर पावर बनी हुई है इस वक्त साउथ एशिया में। और मालदीव्स की लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं मालदीव्स की लीग बहुत अच्छी है। तो उसके साथ आई थिंक मालदीव्स और नेपाल की लीग इज प्रिटी मच ऑन पार जितना मैंने सुना है, तो आई थिंक दे शुड क्वालिफाई फॉर एशिया कप, लेकिन रूट टू द एशियन कप इज प्रिटी डिफिकल्ट, प्रिटी डिफिकल्ट। आप लोगों को मेरे ख्याल से फर्स्ट राउंड तो नहीं खेलना पड़ता, आप लोगों का तो सेकंड राउंड में आपकी एंट्री होती है, राइट? 170 रैंकिंग है ना अभी नेपाल की, 175 है या 170 है, इस तरह कुछ है। अच्छा गणेश नायक कह रहे हैं भाई आप तो हैरी पॉटर के फैन है क्या? ग्रिंडल ग्रिंडल वर्ल्ड कौन है? वोल्डेमॉर्ट, वोल्डेमॉर्ट है भाई। ग्रिंडल वर्ल्ड मेरे ख्याल से डेथली हॉलोज में था, हाँ वो डेथली हॉलोज वो में आया था, उसमें एक था कैरेक्टर, यस ही वाज अ कैरेक्टर। फैसल साले हयात की एक टांग को कब्र में एक बंदा आखिरत का खौफ कर ले, भाई वो बेचारा 72 ईयर्स का है लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहा। तो ये है बस, मरने से पहले इंडिया वर्सेस पाक फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, भाई ये आपकी जिंदगी में नहीं होगा, आई एम सॉरी, इंडिया शायद चला जाए, पाकिस्तान नहीं आने वाला। ये आपकी जिंदगी में नहीं होगा, ये कोई और विश मांगो, कोई बीवी शीवी की विश मांगो, ये विश मांगो कि सनी लियोन जो है आपकी बीवी बन जाए। ये नहीं होने वाला। इंडिया का वीजा मिला है क्या? शिवू पटेल ने ये क्वेश्चन पूछा है। यार वीजा जो है वो शावी प्रभाकर ने कहा है कि बिल्कुल मिल जाएगा, इंडिया देगी, इंडिया कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी पाकिस्तान के आने में, सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को अपनी गवर्नमेंट से एनओसी लाना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट हमें एनओसी की भी उनसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फीफा के लॉ में लिखा हुआ है कि जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जो भी फेडरेशन होती है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एनओसी ले। मसला ये है कि ये इंडिया का मामला है, इंडिया पाकिस्तान का मामला है, इस वजह से एनओसी बीच में टांग अड़ाई जा रही है, वरना एनओसी की हमें उनसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन, वरना कोई इतना इशू नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है उनसे एनओसी मांगने की। सौरभ पंडित, आई एम योर सब्सक्राइबर फ्रॉम नेपाल। अरे सौरभ पंडित थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड प्लीज डू लाइक द स्ट्रीम एज वेल
एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग यूट्यूबर फ्रॉम नेपाल. कोशिश मेरी होगी कि अगर कोई फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर है या फ्लुएंट हिंदी स्पीकर है तो उसको बुला लें अपने पॉडकास्ट पे. तो ये है अर्थ फील्ड्स. क्या कह रहे हैं अर्थ फील्ड्स? कह रहे हैं अशफाक ग्रुप अगर इलेक्शंस आ जाए तो पीएफएल होगी. अगर इलेक्शंस आ जाए और अशफाक ग्रुप अगर आ जाए तो पीएफएल होगी जो होने वाली थी. यार अशफाक ग्रुप अगर आ भी जाए ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर वो आ भी जाए फीफा उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा. बेशक वो इलेक्शंस करा के आए, फीफा उनको इसलिए रिकग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि वो वही पार्टी थी जिन्होंने हमला किया था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी पे और शीशे तोड़े थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की. तो फीफा कहेगा कि कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट लेकिन अशफाक ग्रुप नहीं बन सकता. वो साफ ये बोलेंगे और उठा के बैन करेंगे आपको सीधा सीधा अगर वो इलेक्ट होके प्रेसिडेंट बन गया तो. वो तो किसी सूरत बन ही नहीं सकता. यस, अगर वो आता है तो पीएफएल होगी लेकिन फिर पाकिस्तान को बैन भी लग जाएगा. तो उस पीएफएल का क्या फायदा जिसपे पाकिस्तान की फुटबॉल को बैन लग जाए? तो ये सारी सिचुएशन है एज इट स्टैंड्स. अच्छा, सुभाषीष मुर्मू कह रहे हैं वेटिंग फॉर इंडो पाक मैच. होपफुली यार इंडिया पाकिस्तान का होगा मैच. मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं उस दिन कमेंट्री करूँ इसी तरह लाइव आके और मैच को कवर करूँ इसी तरह जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. लेकिन ये है कि डिस्कशंस हमने रखी हुई हैं और हम अभी लड़ाई सारी एनओसी की, हम सारी लड़ाई जो है एनओसी की अभी लड़ रहे हैं. तो ये है. ओके, आपका टीम तगड़ी है पाकिस्तान टीम. यार If you ask me, हमारे पास तीन चार बहुत अच्छे लोकल प्लेयर्स हैं. मैं यहाँ कोई बैठ के फड़िया नहीं मारूंगा कि हमारी बहुत अच्छी टीम है. एक मुल्क में लीग ही नहीं है तो टीम कैसे अच्छी बन सकती है लोकल प्लेयर्स की? नहीं बन सकती. लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, हमारे दो प्लेयर्स हैं लोकल जो कि मालदीव्स की लीग में खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ग्रीस में खेल रहे हैं, कुछ प्लेयर्स डेनमार्क में खेल रहे हैं. वहां से जो सीख के जो लड़के आ रहे हैं ना, फुटबॉल सीख के आ रहे हैं, वो लड़के काफी टैलेंटेड है. मतलब मैं ये कहूंगा कि 15 लड़के हमारे काफी अच्छे हैं और वो फुल फाइट दे सकते हैं किसी भी टीम को. दे विल गिव ट्रूली अ ग्रेट फाइट टू एनी टीम इन द साफ चैंपियनशिप जिनको हम साफ में हम वो करने जा रहे हैं, फेस करने जा रहे हैं. तो यस, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हम जीतेंगे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यस देर इज अ चांस. नेपाल इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रेजियस्ट कंट्री इन फुटबॉल. यार मुझे तो लगता है कि दे आर क्रेजी क्योंकि हमारा मैच भी हुआ था, पाकिस्तान आके खेली भी थी नेपाल आके, और हमारा मैच हुआ था 16 नवंबर को इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आप लोग 1-0 जीते थे. वो गोल किसने मारा था? मैं यार उसका बंदे का नाम भूल गया. एक तो काफी मुश्किल नाम होते हैं उनके प्लेयर्स के. वो 4-3-3 खेल रहे थे उस मैच के अंदर. पाकिस्तान भी 4-3-3 खेल रही थी और नेपाल वाज आल्सो प्लेइंग विद 2 नंबर 8s एंड विंगर्स एंड अ स्ट्राइकर, लोन स्ट्राइकर. तो वो था, लेकिन लॉन्ग बॉल मार मार के भाई आप लोगों ने हमें तंग कर दिया था. लॉन्ग बॉल जो मारी थी इन्होंने उस मैच में हुए. तो या अच्छा, साजिद हुसैन क्या कह रहे हैं? व्हाट डू यू से अबाउट अक्सा मुश्ताक? भाई मैं तो चाहता हूँ वो किसी तरह हमें ये नसीब हो जाए कि हम उनको खेलता हुआ देख लें विमेंस टीम के अंदर, पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है. एक लड़की, मैं शॉर्ट्स में भी बोल चुका हूँ, एक लड़की नेपाली के लिए खेल चुकी है. अभी वो एफए विमेंस चैंपियनशिप में खेल रही है जो कि इंग्लैंड की सेकेंड डिवीजन है. इंग्लैंड में एक होती है विमेंस सुपर लीग जिसमें ये लिवरपूल की विमेंस टीम खेलती है, यूनाइटेड की विमेंस टीम खेलती है, और एक होती है सेकेंड डिवीजन. सेकेंड डिवीजन में हमारी अक्सा मुश्ताक खेल रही है. तो शी इज प्लेइंग एट अ प्रीटी गुड लेवल, शी हैज प्लेड फॉर नेपली. तो भाई पता नहीं वो किस जन्म में हमें नसीब होगा कि हम उनको देख सकेंगे खेलता हुआ. आई डोंट नो, शी इज प्रोबेबली द बेस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर आई नो राइट नाउ जिनका मुझे पता है. 24 likes डन, 6 to go. भाई लाइक ठोकते जाओ, लाइक ठोकते जाओ, ठोकते जाओ, सब्सक्राइब भी ठोकते जाओ. कम ऑन गाइस, मेक इट. अच्छा, गणेश भाई कह रहे हैं भाई क्या आप AFC Under-23 क्वालिफायर खेलोगे? हाँ खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे. मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है गणेश भाई, आप जाके देख लो, डिटेल्ड वीडियो है. मैंने उसमें ये भी लिखा है कि कैसे इंडिया, मतलब बोला है कैसे इंडिया क्वालिफाई कर सकती है, कैसे पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती है, बांग्लादेश क्या रूट क्या है, मैंने पूरा रूट बताया. आप वो जाके देख सकते हो, वो वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे. हमारी क्लब मोहन बगान वर्सेज पाकिस्तान क्लब. भाई आरिस भाई थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. पाकिस्तान का कोई क्लब अभी AFC कप में नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी क्लब राइट नाउ AFC लाइसेंसिंग नहीं हुई है और लीग 9 नवंबर 2021 से बंद है. जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है वो बंद है. तो अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पाकिस्तान का जो क्लब है वो AFC कप में जाके खेले. और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अपना क्लब इस टाइम पे भेजना चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ यहाँ पे. हमें अभी मेहनत करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है. एक दफा एवरीथिंग इज इन प्लेस, स्ट्रक्चर, ग्रास रूट्स, एवरीथिंग इज इन प्लेस,
तब हमें अपनी टीम भेजनी चाहिए एएफसी कप, वरना वही बात है कि आप ह्यूमिलिएशन कराओगे अपनी, और कोई बात नहीं है। गणेश नायक क्या कह रहे हैं, धनराज दुर्वे के साथ पॉडकास्ट करो भाई, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है भाई, वो नहीं आएगा मेरे चैनल पे, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं जैसे इरफान जुनेजो है ना, उस तरह इंडिया का फुटबॉल यूट्यूबर वो है। अच्छा, आई थिंक वहीद नहीं, खैर इरफान जुनेजो इज, वो तो उनके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए हैं अब, लेकिन आज से 4-5 साल पहले जैसे इरफान जुनेजो था उस तरह, तो उस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ। आई थिंक वहीद और वलीद कैन प्ले बेटर इन CF रोल देन शाइक दोस्त, हिज फिनिशिंग हैज बीन डॉजी इजंट इट, व्हाट डू यू थिंक? अगेन ग्रेट क्वेश्चन साजिद भाई। यार मैंने कराची यूनाइटेड के जो मैनेजर थे ना, जिसके अंडर वहीद खेलता था कराची यूनाइटेड के लिए, तो वहीद का उन्होंने कहा है कि वो काफी पॉडकास्ट में कहा है, सिर्फ मेरे पॉडकास्ट में नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि वो काफी डाइग्रेस कर गया, उसकी फिनिशिंग बहुत खराब हो चुकी है। रीजन वही है कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद पड़ी है, उस बेचारे को कोई कहीं और जगह नहीं मिल रही कि वो खेल सके। वो एमेच्योर क्लब्स के साथ अभी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, या तो वो अभी मेरे ख्याल से उसमें खेल रहा है, आई थिंक वो खेल रहा है ये जो 34th नेशनल गेम्स हो रही है उसमें, आई थिंक वो सिंध के लिए खेल रहा है, या उनके बेंच पे भी होता है कभी कभी, कभी कभी स्टार्ट भी कर रहा होता है। तो वहीद का तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। यस, वलीद खान को मैंने लेफ्ट विंग पे खेलते हुए देखा है, क्या वो सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है? मैंने उसको सेंटर फॉरवर्ड पे खेलता हुआ कभी देखा नहीं, मेरे पास सिर्फ दो सैंपल साइज है। एक मैंने नेपाल का मैच देखा है उसको खेलते हुए, क्योंकि वो खेला ही 2 मैचेस है, उसके पास पाकिस्तान के लिए 2 कैप्स है, तो एक वो नेपाल के मैच में खेला था और मालदीव में तो शायद वो खेला भी नहीं था, हाँ मालदीव में खेला, एक एक कैप है उसके पास, तो सैंपल साइज हमारे पास अभी हम कम है, एविडेंस की बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि वो सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है कि नहीं। राइट बैक पे स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि पीछे से आकाश मिश्रा भी स्पीडी ओवरलैपिंग रन बनाएगा। एग्जैक्टली, आकाश मिश्रा विल बी समवन जो कि रॉबर्टसन की तरह या एक जाओ कैंसेलो की तरह एक ओवरलैपिंग रन डालेगा, जैसे ये एग्जाम्पल थोड़ी सी ऑपोजिट है, लेकिन कारवाहाल ओवरलैपिंग रन डालता है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन वो राइट बैक है, ये इनका लेफ्ट बैक है, तो वो लेफ्ट बैक से आएगा। और आई एम श्योर कि अगर बिपिन सिंह खेलता है और आकाश मिश्रा खेलता है, तो राव उमर हयात को काफी ज्यादा टेक्टिकली डील करना पड़ेगा इनके साथ, और अब्दुल समद अरशद को भी पीछे ट्रैक बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक बैक नहीं करोगे तो वो आपकी मौत है, दैट इज यू आर गोइंग टू गेट एनाइहिलेटेड इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैक बैक एज अ विंगर वर्सेज इंडिया। तो ये है। अच्छा ओके, इबाद रहमान कह रहे हैं दानिश इकबाल जाको भाई गुड जॉब। यार मैं तो डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ कल के मैच के बाद, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ कि सिटी सिटी ट्रेबल जीतने वाली है। अरे भाई क्यों जीत रही है सिटी ट्रेबल, क्यों भाई? आप तो पूरा यूरोपियन टीम बन गया आपका, पाकिस्तान टीम डर लग रहा है? नहीं भाई, आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए पाकिस्तान टीम से, अगर आप मेरे से सच पूछो तो। नाउ ओनली मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वी विल सरप्राइज यू। Now only Inter Milan can save footballing heritage. Forza Inter Milan, Forza Inter Milan. बिल्कुल दानिश भाई, I agree. Forza Inter Milan, United को I'm sorry, मैं support नहीं करूंगा FA Cup में, मैं Liverpool fan हूँ। अच्छा, why there is craze football at Nepal, Maldives, Bangladesh? Why there is not craze football at Pakistan, India, Bhutan? भाई इंडिया भूटान में बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज है। पाकिस्तान में कुछ रीजन में क्रेज है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे मुल्क में क्रेज है, ऐसा नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन कुछ रीजन्स में इंतहा का क्रेज है, कुछ लोग पागल है। लेकिन बात यह कि वो जैसे बलूचिस्तान है ना, वहां पे इतना ज्यादा यूरोपियन फुटबॉल देखा नहीं जाता, बहुत कम शहरों में वहां पे देखा जाता है, मे बी कोयटा, मे बी चमन, वहां पे लोग देखते होंगे यूरोपियन फुटबॉल। तो बात वो आती है कि टैक्टिकल नाउस, ठीक है, टैक्टिकल अवेयरनेस वो थोड़ी बलूचिस्तान के लड़कों में कम है, लेकिन स्किल फ्लेयर बहुत ज्यादा है बलूचिस्तान के लड़कों में, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो गॉड गिफ्टेड है ट्रूली। इवन हजारा कम्युनिटी के भी, अभी एक हजारा कम्युनिटी के जो हमारे रजब अली हजारा है जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, 2-3 कैप्स आई थिंक उनकी हैं, उनको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उनसे उनको DM किया है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, लेट्स सी इफ ही कम्स, तो मैंने उनको इन्वाइट तो किया हुआ है। अच्छा शायान भाई, इंडिया पाक फाइनल छोड़ो, माया अली मिल जाए आपको। माया अली तुमसे शादी नहीं करेगी, शी इज ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। एनीवेज, सौरभ पंडित क्या कहते हैं, इंडिया ऑल्सो हैव अ क्रेज। हाँ मैं वही बात की यार, मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा जागो ठीक है, फोर्ज़ा एंटर ओके। इंडिया भाई
इंडिया इबाद भाई, अच्छा मैं समझा इंडिया कह रहे हैं, इबाद भाई नफरत क्या क्या करवाती है, सही बात है यार। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीतेगा? रौनक भाई मैं काफी बार कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिइटरेट करूंगा, आई थिंक इंडिया विल विन 2-0, इंडिया विल विन 2-0। उसका रीजन ये है कि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है। अगर हमारे पास एक अच्छा तगड़ा फॉरेन स्ट्राइकर, पाकिस्तान ओरिजिन का स्ट्राइकर होता तो ये गेम और ज्यादा क्लोज हो सकती है। 2-0 या 3-1 होगा मुझे ये लगता है, मुझे लगता है। अगर हम गोल मारेंगे तो सेट पीस पे मारेंगे या फिर पेनल्टी पे मारेंगे, इस तरह कुछ होगा। दैट्स व्हाट माय प्रेडिक्शन इज। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। क्या स्टोरी है भाई, कोई अटैक किया था क्या PFF को? यार गणेश भाई ये 2 साल पहले हुआ था, ये आज से 2 साल पहले हुआ था। नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने अपॉइंट की थी, हारून मलिक को प्रेसिडेंट बनाया था, एंड सिंस देन ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। क्लब स्क्रूटनी कराई है, मैचेस करवाए हैं वेमेन्स के, मेंस के मैचेस करवाए हैं, कोशिश करें कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएं पाकिस्तान प्रीमियर लीग में। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तो इन लोगों ने जो अशफाक ग्रुप था जो कि पहले इलेक्ट होके आया था, लेकिन ये काम नहीं कर रहे थे। फीफा ने कहा कि आप लोग काम नहीं कर रहे, आप लोग कोई मैचेस नहीं करवा रहे, आप लोग पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी नहीं करा रहे, वेमेंस लीग नहीं करा रहे, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप तो हमारे फंड्स खा रहे हैं जो हम आपको दे रहे हैं, जो फीफा फंड्स दे रही थी। तो फीफा ने हटा दिया अशफाक ग्रुप को, पहले इलेक्ट होके आया था अशफाक ग्रुप, तो उसको हटाया, तो फिर हमें सस्पेंशन लग गई। उसके बाद फिर हमें क्या हुआ, बैन लग गया, बैन हटा तो फिर एनसी आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमें जैसे ही इन्होंने फिर इन्होंने क्या किया कि हमला कर दिया। अब इन्होंने हमला क्यों किया? हमला इसलिए किया क्योंकि ये कहते हैं कि 8 महीने के इलेक्शंस को 1 महीने के अंदर करा दिया जाए, जो कि एक जोक है भाई। तुम कपिल शर्मा चले जाओ भाई, तुम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल करना शुरू हो जाओ, अगर तुम्हें इतना शौक है 1 महीने में। आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो है PFF का, वो ये इजाजत ही नहीं देता कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाए। 8 महीने कम से कम लगते हैं। यही मैं बात बार बार बोलता हूँ कि लोगों को समझ नहीं आती, खास तौर पे जो हमारी पाकिस्तानी आवाम है उनको समझ नहीं आती कि एक PFF के इलेक्शन में 8 से 9 महीने लगते हैं। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि 1 महीने में करा दो, तो उस बात पे उन्होंने हमला कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा से एनसी को रीइंस्टेट किया गया, जो PFF का जो जो प्लॉट था जिस पे कब्जा हो गया था, वहां से लोगों को हटाया गया, उसको रेनोवेट किया, जो तोड़फोड़ की थी उसको ठीक किया, और फिर वो हमने वापस लिया। तो ये मामलात चलते रहे, ये केओस चलता रहा है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि उसमें बहुत सी पार्टीज है, सारी पार्टीज पार्टीज इन्वॉल्व है, कोई एक दो पार्टी नहीं है। PMLN के भी पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने हमला किया था PFF पे, पीपल्स पार्टी के भी पॉलिटिशियंस थे, और मैंने सुना है कि 4-5 से PTI के भी पॉलिटिशियन थे जिनकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उनकी गवर्नमेंट के अंदर ये हुआ था, इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ था ये सारा कुछ। तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो आई थिंक नाउ ये हम किसी सूरत नहीं होने दे सकते ये इस तरह का सिनेरियो, क्योंकि ये वरना देखो आपका बाहर क्या इमेज जाएगी, आपकी बाहर इंटरनेशनल स्टेज पे क्या इमेज जाएगी कि आपके पॉलिटिशियंस हमला कर रहे हैं आपकी PFF पे। तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन्होंने बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया हुआ पूरे मुल्क को। तो ये खत्म होना होगा, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, जब तक हमारी फुटबॉल प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अगर पाक इंडिया के लेवल की फुटबॉल खेल रही होती तो क्या जिडान इकबाल पाक के लिए खेलता? नहीं, वो मुश्किल है उसका। देखो ये हो भी सकता था और ये नहीं भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है इट इज स्टिल हाईली अनलाइकली अगर हम इंडिया के लेवल पे होते। उसका रीजन ये है कि उसकी मदर ने बहुत प्रेशराइज किया था उसको, उसके फादर साहिवाल पाकिस्तान से, उसकी मदर इराक से, ठीक है, उसकी मदर ने, और उसका हमारे जो पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस हैं ना, उन्होंने इतना प्रेशर डाला नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये अली हसन सर ने भी मुझे कहा है जो फुटबॉल हिस्टोरियन है पाकिस्तान के। इराक के जो फैंस थे उन्होंने इसके इंस्टाग्राम पे जाके इसको प्रॉपर बुली किया था, और इराक के फैंस ने कहा था जो मर्जी हो जाए जिडान इकबाल, तूने हमारे लिए खेलना है, तू किसी और क्लब के लिए नहीं खेलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे यही हुआ, फिर मदर का प्रेशर भी था उसका। आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए शायद तब भी ना खेलता, बट ही डज लव पाकिस्तान, उसके इंटरव्यू से साफ नजर आता है। तो ये है। और सौरभ पंडित, आई थिंक यू डोंट वॉच इंडियन सुपर लीग सीजन सीजनल फैंस। अच्छा राजकुमार श्रीस्ता कह रहे हैं व्हाट अबाउट नेपाल? यार नेपाल इज अ गुड टीम, मैंने मैच देखा था पूरा बैठ के, नेपाल और पाकिस्तान वाला, काफी उनके स्किलफुल प्लेयर्स हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ अब्दुल्ला इकबाल था डायस्पोरा प्लेयर, एक डायस्पोरा प्लेयर खेल रहा था उस मैच में, हमारे सारे बाकी लोकल प्लेयर थे, और तब भी हम वो मैच 1-0 हारे थे, वो जो मैच था।
अभी मुझे नेपाल का आइडिया नहीं है कि उस मैच में आपके कौन कौन से प्लेयर थे, क्या आपका डायस्पोरा का सीन है नहीं है, क्या सीन था आपकी, क्या वीक टीम थी, सेकंड स्ट्रिंग थी, क्या सीन था, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन हमारा सिर्फ एक डायस्पोरा प्लेयर खेल रहा था उस मैच के अंदर। अगर सोचो, अगर 5-6 डायस्पोरा प्लेयर होते, ये ओटिस खान होता, अब्दुल समद होता, आई थिंक वी वुड हैव बीटन नेपाल। आई ट्रूली बिलीव हम नेपाल को हरा देते। तो या अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, माई सपोर्ट 90% पाकिस्तान। अच्छा सौरभ पंडित भाई, थैंक यू यार, थैंक यू। कोई फॉरेन कोच आया पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल आया, नायान भाई हमारा जो है ना, क्या नाम है, मुझे अभी उसका नाम भूल गया, काफी मुश्किल नाम था उसका, ब्राजील का था वो। 2018 में हमारा ब्राजीलियन कोच था, आप सर्च भी कर लो, आपको नाम मिल जाएगा। 2018 में लिखो, 2018 पाकिस्तान कोच, तो हमारा ब्राजीलियन कोच था जिसके अंडर हमने वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेला था। उससे पहले भी एक फॉरेन कोच था हमारा, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, काफी मुश्किल उसका नाम था वो। आई थिंक उसका था, इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का। उनके खिलाफ हमने जो 2013 वाली जो साफ चैंपियनशिप थी, जिसमें हमारा बांग्लादेश से मैच हुआ था, वो मैच हम बड़ा क्लोज मार्जिन से आई थिंक हारे थे, तो वो उसमें फॉरेन कोच था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री में फॉरेन कोच कभी भी काम नहीं किया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, काफी जो हमारे प्लेयर्स हैं पश्तो बोलते हैं, डायस्पोरा प्लेयर्स हैं उनको तो ठीक ठाक अंग्रेजी आती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट जो इस्लामाबाद के भी लड़के हैं, जैसे अब्दुल्ला शाह है, ही स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, बहुत अच्छा है। बट जो बलोचिस्तान के लड़के हैं, केपीके के लड़के हैं, सिंध के अंदरूने सिंध से लड़के आते हैं, अब जैसे वहीद खान है कराची के, बिल्कुल अंदरूने जो अंदरून का जो इलाका है वहां से आता है, लियारी के इलाके से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लियारी की जो प्लेयर्स हैं उनको इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं समझ आती, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। वो आप ना भी जाओ तो एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है बिटवीन द मैनेजर एंड द प्लेयर। तो आई थिंक कि एक फॉरेन कोच पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता, मुझे लगता है लोकल कोच होना चाहिए। हमारा जो लोकल कोच है वो अच्छा है, मुझे ये बिलीव है उसके अंदर, क्योंकि ही इज द ओनली यूएफए प्रो लाइसेंस वाला कोच, जिसके पास यूएफए का प्रो लाइसेंस है, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये पाकिस्तानी लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मुल्क में एक ऐसा कोच है जिसके पास यूएफए प्रो लाइसेंस का कोच है, कोचिंग बैच। तो दैट्स व्हाट आई फील। एंड अच्छा, ट्रोल एंटरटेनमेंट क्या करें भाई यार, जो पाकिस्तान की पीएसएल है दुनिया के क्रिकेट की दूसरे नंबर पर है, आपकी पॉपुलेशन 200 मिलियन है, फुटबॉल की भी कोई इंटरनेशनल लीग क्यों नहीं बना रहे, आपकी भी फुटबॉल तरक्की होगी। मैंने यार ये अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था, यही मैंने इसी का जवाब दिया है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल लीग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो अशफाक ग्रुप कराना चाह रही है। अशफाक ग्रुप इज नॉट रिकग्नाइज बाई फीफा, उन्होंने पीएफएफ के ऊपर हमला किया था, और फीफा ने बोला था कि कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए अशफाक ग्रुप नहीं बन सकता। और मजाक की बात यह है कि अशफाक ग्रुप इस वक्त प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोबारा से खड़ा होने जा रहे हैं, वो फिर से खड़ा होने जा रहे हैं। तो यही कहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, भोगता हूँ मैं, कि पाकिस्तान का जो पीएफएफ है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत है। चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। जब तक चेंज नहीं करोगे, अशफाक ग्रुप वापस आएगा, जाहिर शाह वापस आएगा, फैसल साले हयात वापस आएगा। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज देर इज नो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। ये बात लिखवा लो, इसको तुम रिकॉर्ड कर लो, इसकी क्लिप बना लो, कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान फुटबॉल का अगर पीएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा। ओनली देन अ प्रॉपर लीग सिस्टम कैन कम। जो आप फ्रेंचाइज लीग की बात कर रहे हो ना, जिस तरह की आप पीएसएल स्टाइल लीग की बात कर रहे हो, ओनली देन हो सकता है। ये बात भाई कह रहे हैं, वारशिटी विल बी फाउंड गिल्टी, आई एम 1000% श्योर, बट दे विल पे द मनी एंड नो बडी विल टॉक अबाउट द ट्रॉफीज वन बाय देम। देखो, वो ऑलरेडी एक केस में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, लेकिन उस केस का कुछ होने नहीं वाला मैनचेस्टर सिटी वाले का। अनजान बिस्ता गोल, हाँ अनजान बिस्ता गोल स्कोर था, या यू राइट, यू राइट, ही स्कोर्ड अगेंस्ट, वो भी यार गोल सेट पीस पे पड़ा था, एक या तो लॉन्ग बॉल पीछे से आई थी जहां तक मुझे याद है, राइट फ्लैंक से लॉन्ग बॉल आई थी, या फिर सेट पीस पे फ्री किक पे कुछ इस तरह हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो यस, वो एक काउंटर अटैकिंग पे ही गोल था, इस तरह कुछ था वो। अच्छा, आई एम योर इंडियन सब्सक्राइबर फ्रॉम बेंगलुरु। अरे बेंगलुरु, वही तो हमारा मैच होना है, इंडिया पाकिस्तान का, नाइस, उसी स्टेडियम में मैच होना है हमारा, होपफुली अगर एनओसी मिल गया। अच्छा भाई, फॉरेन कोच आएगा, ये मैंने इसका जवाब दे दिया। कमेंट्स अब मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने वाइंड अप करना है थोड़ी देर में। क्या इंडिया एशिया कप में सेमीफाइनल तक जा सकता है? यार आपका ग्रुप बहुत टफ है, आपका ग्रुप बहुत टफ है,
अगर आप ग्रुप से निकल आओ तो वो बड़ी बात होगी। मैंने वही कहा है कि इस चीज को ना राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कि इंडिया सेकेंड नहीं आ, सेकेंड आओगे तो यू विल गो इन टू द नेक्स्ट राउंड। तो और वो मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा है सेमीफाइनल, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि इंडिया ग्रुप से बाहर निकले, लेकिन आई वुड से कि डू नॉट राइट ऑफ इंडिया इन टू द सेकेंड प्लेस। डू नॉट राइट राइट ऑफ, किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, स्पोर्ट्स टीवी में भी राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 16, वही मैंने कहा कि अगर सेकंड आती है तो राउंड ऑफ 16 तक आएगी। अच्छा, पाक ओरिजिन पूरा पूरा भरा हुआ है यूरोपियन में। यार गणेश भाई देखो, वो नजर तो यही आता है कि 20-25 प्लेयर्स हैं, लेकिन उन 20-25 प्लेयर्स को लाने के लिए 8 से 9 महीने लगते हैं। पहले आपको जो उसकी रिस्पेक्टिव कंट्री है उससे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एक इंग्लैंड में प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन से क्लियरेंस लो, ठीक है, फीफा से क्लियरेंस लो, उसके बाद पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से क्लियरेंस लो कि वो पासपोर्ट उस लड़के को इशू कर दे। उसमें 6-8 महीने तो कहीं नहीं गए, ठीक है। इट मीन्स कि अगर साफ में इस चैंपियनशिप आ रही है, एक चैंपियनशिप में कितने को डायस्पोरा प्लेयर ले आओगे? 8 बहुत हो गया, 10 ले आओगे, 10 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। 20 के 20 तो आप नहीं लेके आ सकते। आप फिलिपाइंस तो हो नहीं, कि उन्होंने क्या किया था कि अपनी 20 लड़कियों को डायस्पोरा लेके आ गए थे। वो 23 में से 20 लड़कियां डायस्पोरा थी, और उन्होंने 6-0 और 8-0 और 10-0, पाकिस्तान को तो 4-0 हराया था उन्होंने, बाकी सारे मुल्कों को उन्होंने 8-0 और 10-0 हराया था, जो उनकी वेमेन्स टीम थी, डायस्पोरा प्लेयर से। वही बात है, मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि डायस्पोरा प्लेयर इज स्टीरॉयड्स। आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, आपके पास एक लीग भी होनी चाहिए कि आपकी एक अपनी लोकल लीग हो। मैं उसी लोकल लीग के लिए मैं कहता भी हूँ, बात भी करता हूँ कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग को वापस लाएं, उसको क्लब बेस्ड सिस्टम बनाएं और उसको AFC लाइसेंस्ड करें सारे क्लब्स। मेरा मेन मुद्दा ही है, मेरा मेन लड़ाई ही ये है। अच्छा दानिश भाई, किम मिंग जाए, पर्सनल टर्म्स एग्रीड, ओके, 15 जुलाई को रिलीज क्लॉज पे कर देंगे, बस सब कुछ ठीक रहे। अच्छा, किम मिंग जाए को मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करने वाली है, ओके, दैट वुड बी अ ह्यूज साइनिंग भाई, दैट वुड बी अ ह्यूज साइनिंग फ्रॉम नेपोली। पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर खेल सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों एशिया कप में क्वालिफाई नहीं हुआ? क्योंकि हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम पाकिस्तान के ओरिजिन के जो प्लेयर्स हैं उनको हम खिलाने की कोशिश करें। इससे पहले जब भी हम ओरिजिन प्लेयर्स खिलाते थे, हम 3 या 4 खिलाते थे। किसी भी हम टूर्नामेंट में जाते थे, हम 3 या 4 से ज्यादा लेके ही नहीं जाते थे। हम कभी 3 या 4 डायस्पोरा प्लेयर से ज्यादा लेके ही नहीं गए। तो हमारी जो फैसल साले हयात है, उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि डायस्पोरा प्लेयर्स को लेकर आया जाए। मर के 3 आते थे, 2 आते थे, 4 आते थे। दिस इज द रीजन वी हैव नेवर क्वालिफाइड फॉर एशियन कप। और पीछे पीछे से 8 साल में सिर्फ 2 बार पाकिस्तान प्रीमियर लीग हुई है। तो जब लीग, अब मैं कहूँ कि ISL सिर्फ 2 बार होगी पिछले 8 साल में, तो कैसे आपका प्लेयर प्रोड्यूस होगा? प्लेयर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, इंडियन प्लेयर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अगर ISL ना हो और आई लीग ना हो, और मैं ये कहूँ कि 8 साल जो है दो सिर्फ इनके लीग्स होंगी, उसके बाद 6 साल कुछ नहीं होगा, तो कोई प्लेयर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। दिस इज द रीजन वी हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द एशियन कप एंड वी हैव नेवर गॉटन पास्ट द फर्स्ट राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर। और ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत मैसिव रीजन है ये। अच्छा वही बात है, मैं इसीलिए कहता हूँ फैसल साले हयात विलन है पाकिस्तान फुटबॉल का। वो विलन था, विलन है, विलन रहेगा। पीछे से भी अभी वही पुल कर रहा है सारी स्ट्रिंग्स। उसका पपेट एहसान और रहमान मजारी है, और हमारी हमारी सारी लड़ाई इन दो लोगों के इस वक्त खिलाफ है। अच्छा पाक पाक एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा लोकल बिरयानी भाई ने, जो कहा 3.5 साल हम बैन भी रहे, 3.5 साल से 4 साल में 2 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। अच्छा, एशिया कप में सेमीफाइनल, प्राण भाई क्यों हंस रहे हो यार, ना करो ऐसे ना करो ऐसे मैंने यार, मैं वही कह रहा हूँ कि राउंड आपका ग्रुप बहुत टफ है। अगर आपका ग्रुप टफ ना होता तो शायद मैं बोल देता कि यार हो सकता है, लेकिन ग्रुप बहुत टफ है। आई थिंक धनराज दुर्वे इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ट्राई टू कन्विंस हिम, आई होप ही विल एग्री, ही हैज अ लॉट टू शेयर। चलो यार मैं कोशिश करूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा। एक तो मैंने यश को भी मैसेज किया था भाई, जो रिव्यूज को, उसने आज तक जवाब नहीं दिया अच्छा खैर, एनीवे सब आगे बढ़ते। राज भाई रियल मैड्रिड फैन, मेरा रियल मैड्रिड का दोस्त, कैसे हो, कैसे हो, बहुत अरसे बाद आए हो यार, बहुत अरसे बाद आए हो।
भाई विच नेपाली फुटबॉलर इज मोर पॉपुलर अमंग पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस? यार यहाँ पे ना इतना नेपाल फुटबॉल को फॉलो नहीं किया किया जाता, लेकिन वो जिस बंदे ने गोल मारा था ना, उसके काफी फैंस बन गए थे। जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ गोल मारा था ना, बहुत फैंस बने थे उस बंदे के। तो ही इज राइट नाउ, आई वुड से ही इज द स्टार राइट नाउ इन पाकिस्तान। एंड उसको जो जो बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं ना पाकिस्तान में बैठ के नेपाल की, मैं तो इतना कीनली नहीं ऑब्जर्व करता, लेकिन जो बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं वो कहते हैं कि यार वो उस बंदे में दम है। तो ही इज वन ऑफ देम। एक आपका सेंटर बैक भी है, जो लेफ्ट फुटेड आपका सेंटर बैक है, वो भी बड़ा अच्छा है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो था वो, क्योंकि उस दिन 4-3-3 खेल रहे थे। एक तो नाम भूल जाता है यार, रुको मुझे लाइनअप निकालने दो वो वाली, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान, व्हाट वाज द लाइनअप दैट डे? हाँ, सोफा स्कोर पे मिल जाती है, सोफा स्कोर पे मिल गई लाइनअप भाई। अभी खुल जा भाई, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। हाँ खुल गया खुल गया खुल गया। हाँ यस, रोहित चंद, रोहित चंद बहुत अच्छा प्लेयर है, इज वेरी गुड, उसको लोग काफी पसंद करते हैं पाकिस्तान में। एंड अनजान बिस्ता, ही हैज बिकम वेरी फेमस आफ्टर दैट गोल, उसको येलो कार्ड भी मिला था उस मैच के अंदर। सो अनजान बिस्ता एंड रोहित चंद, ये दोनों बड़े, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन इन आर कंट्री। स्क्रीन लॉक बार बार वो हो जाता है, इस वजह से मेरा स्टक हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, भाई ये हो गया ठीक है। अनजान बिस्ता एंड रोहित चंद, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ राज भाई, आप सुनाओ, कैसी थे तबीयत वगैरह, कैसी है? हाउ इज योर मेंटल हेल्थ, हाउ इज योर फिजिकल हेल्थ? AFC अंडर 17 टीम इंडिया के बारे में बोलो। यार मुझे ना गांगते को मैंने देखा है खेलते हुए, मेरा गांगते वैसे फेवरेट है, ही ऑल्सो स्कोर्ड इन 3-3। तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है अंडर 17 टीम का, लेकिन मैंने सुना है कि वो काफी तगड़ी टीम है। एंड गांगते अगर कभी पाकिस्तान अंडर 17 का मैच इंडिया 17 की टीम से हुआ, तो मेरे ख्याल से उससे काफी ज्यादा डरना चाहिए। बाकी मुझे इतनी अंडर 17 टीम की नॉलेज नहीं है, मैं सीधी बात करूंगा। अच्छा हाँ, जुहेब खान, कलीमुल्ला खान क्यों नहीं खेल रहा? वेरी गुड क्वेश्चन, कलीमुल्ला खान क्यों नहीं खेल रहा? कलीमुल्ला खान इसलिए नहीं खेल रहा, मुझे अली हसन ने पॉडकास्ट में बताया था, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, प्रोफेशनल फुटबॉल, एमेच्योर क्लब्स के साथ तो वो खेलता रहा है पाकिस्तान में फॉर 3 ईयर्स। 3 साल से उस बंदे ने प्रॉपर फुटबॉल नहीं खेली है, 3 साल से। 7 असाइड खेली है एमेच्योर क्लब्स के साथ, शायद 11 असाइड खेली है, वो भी शायद उसने 1 महीना खेला है या 1.5 महीना खेला है इन 3 सालों के अंदर। तो ऐसे प्लेयर को हम नहीं खिला सकते जो कि 3 साल जिसने प्रोफेशनल फुटबॉल ही नहीं खेली हुई, इवन दो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स एवर टू प्ले इन द 21st सेंचुरी। इवन दो ही हैज स्कोर्ड, ही इज द ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 35 गोल्स एवर इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। बट द मैन हैज नॉट प्लेड एनी काइंड ऑफ फुटबॉल इन द लास्ट 3 ईयर्स। मुझे नहीं लगता शहजाद अनवर उसको लेके जाएंगे साथ, मैं चाहता हूं कि लेके जाएं लेकिन नहीं लेके जाएंगे। अरे 30 लाइक्स हो गए भाई, नाइस, 30 लाइक्स, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब भी ठोक दो भाई, 30 सब्सक्राइब भी बढ़ा दो भाई मेरे। अच्छा नाउ नेक्स्ट टारगेट 40, थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू आर अ लेजेंड। और रियल मैड्रिड हार गई भाई बुरी तरह से भाई, कामाविंगा के साथ जो कल हुआ वो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। नेपाल पाकिस्तान से हार जाएगा? अच्छा ये आपका ओपिनियन है कि नेपाल जो है वो पाकिस्तान से हार जाएगा? यार ये क्लोज गेम होगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ये डोमिनेट कर देगा डायस्पोरा प्लेयर के साथ या बिल्कुल पिछाड़ के रख देगा। वी कैन बीट, जैसे हमारी विमेन्स टीम ने ताजिकिस्तान को रहा था, विमेन्स टीम हमारी 161 रैंकिंग की है, ताजिकिस्तान की टीम 141 पे बैठी थी, 20 दर्जा ऊपर थी वो, तो उनको भी हमारी विमेन्स टीम ने हराया और डायस्पोरा प्लेयर के थ्रू ही हराया। जो इसरा वो जो लड़की है जमीना मलिक जिसने गोल मारा था, वो डायस्पोरा प्लेयर है। तो या इट कैन हैपन एंड इट विल बी अ क्लोज गेम, 1-0 2-0 हो सकता है टू पाकिस्तान। आई आई डू थिंक इट कैन हैपन। पाकिस्तान कब तक एशिया कप में क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप ऑल्सो? यार स्पोर्ट्स टीवी भाई, इसमें ना देखो
वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है ना वो अक्टूबर में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर को के जो दो लेग्स हैं फर्स्ट राउंड के उसको पार करना है। आज तक हमने नहीं किया, आज तक 75 ईयर्स की हिस्ट्री में हमने नहीं किया, और काफी बार हमने भेजा भी नहीं अपनी टीम को। हमने अपनी टीम को 3 से 4 दफा तो भेजा ही नहीं वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर आपको पता है आता भी 4 साल के बाद है, तो ये है। और द थिंग इज कि अगर हम एतजाज हुसैन को ले आए, मैं आपको दंके की चोट पे कह सकता हूं हम राउंड वन में से बाहर निकल आएंगे और हम राउंड टू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर एतजाज हुसैन आ गया, उसको लोग पाकिस्तान में कैजमीरो कहते हैं, नॉर्वे की लीग में खेलता है वो, 6 टाइटल जीत चुका है, तो आई ट्रूली बिलीव वी कैन गेट पास दैट राउंड। वो भी डिपेंड करता है कि हमें टीम कौन सी मिलती है, क्योंकि उसके जो राउंड्स हैं, जो ड्रॉज हैं, वो जुलाई या अगस्त तक आई थिंक आएंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ इसी टाइम के बीच में आएंगे। कोई फॉरेन कोच आएगा पाकिस्तान टीम में? नो, नो वे, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ, बिकॉज शहजाद अनवर हैज अ प्लान इन प्लेस, ही हैज अ प्रिटी गुड फिलोसफी, दैट इज द टिकी टाका फिलोसफी, ही वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट दैट। उसको टाइम देना चाहिए, मेरी नजर में टाइम देंगे या नहीं देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन टाइम देना चाहिए। कम से कम उस बंदे को आपको 1 साल का टाइम देना चाहिए। पाकिस्तान में हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद मैनेजर चेंज हो जाता है। वी वॉन्ट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एज एन इंडियन फुटबॉल फैन आई वुड लाइक टू सी अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान साइड। इंडिया शुड प्ले अगेंस्ट टफर ओपोनेंट्स बिफोर द AFC एशियन कप। या फॉर श्योर, फॉर श्योर, बिल्कुल सही कहा पलाश साहू भाई, बिल्कुल सही कहा। 37 पीपल वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठोकते रहो भाई, ठोकते रहो। अच्छा, आकाश मिश्रा प्ले स्टाइल इज ऑल्सो, हाँ अल्फोंसो डेविस की तरह, ही इज प्रिटी प्रिटी पेसी, ट्रैकिंग बैक कर लेता है, ओवरलैपिंग रन भी निकालता है, अंडरलैपिंग रन भी निकालता है, हाफ स्पेस में भी आता है, समटाइम्स ही डज ऑपरेट वेरी वाइड और स्ट्रेच करता है प्ले को इंडिया के लिए, तो वो है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के इगोर स्टेमाच की क्या क्या थिंकिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान, हाउ हाउ विल ही टेक पाकिस्तान, उसके उसके ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। अच्छा भाई हमारे कह रहे हैं नेपाल विल विन, ओके ओके, नेपाल से काफी जोश आता हुआ, नहीं मुझे लग रहा है पाकिस्तान विल विन। यहाँ पे मैं डिसएग्री करूंगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद से इंडियन फुटबॉल फैंस काफी बहुत इंक्रीज हुए हैं, नो डाउट यार, और काफी फुटबॉल फैंस अभी ट्रेंड चला रहे हैं। ट्रेंड पहले भी चले हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल के जो ट्रेंड्स है ना वो उस पावर के साथ नहीं चलते जिस पावर के साथ चलने चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद चल रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद बहुत इंक्रीज आया है। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया की इतनी आबादी है यार, तो कम से कम 5,000 से 10,000 ट्वीट्स तो होने चाहिए, लेकिन उतने आ नहीं रहे होते, उससे ज्यादा बल्कि आने चाहिए, तो वो मेरा उस पर एक है रिजर्वेशन। लेकिन देखो टाइम के साथ चीजें ग्रो होंगी, टाइम के साथ लोगों को ना अवेयरनेस आएगी, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो। भाई सॉरी टू बी आउट ऑफ द टॉपिक, जस्ट केम आउट वॉचिंग फास्ट एक्स भाई, ओ भाई एक्शंस म्यूजिक पॉल वॉकर को फिर से बड़े पर्दे पर देखना, म्यूजिक जेसन ममोआ करेगा। अच्छा भाई कसम से बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी। हाँ मैं देखूंगा यार फास्ट एंड फ्यूरियस 10, और उसमें एक उसका मेरे ख्याल से एक उसका फ्लैशबैक्स में कोई कैमियो दिखाया है, कुछ इस तरह किया उन्होंने उस एक्शन म्यूजिक में। अच्छा यू मस्ट सुशांत राज फ्रॉम नेपाल, ही विल गिव गुड फुटबॉल अपडेटेड, बिल्कुल बुलाएंगे भाई, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो मालदीव्स के लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ, बांग्लादेश के लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ लोग आए आके बात करें भाई, अपने मुल्क के बारे में बताओ कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है फुटबॉल पे, मुझे भी इससे नॉलेज मिलेगी, जाहिर है बाकी लोगों को भी मिलेगी। एटी क्रिकेट नेपाल वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फुटबॉल नेपाल वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस, ये तीनों खेलेंगे भाई, मजा आएगा, ये तीनों खेलेंगे। और सौरभ भाई थैंक्स डॉग, MBS प्राइवेट लिमिटेड, कीप सब्सक्राइबिंग माय फ्रेंड, कीप सब्सक्राइबिंग। ये ईयर का एंड तक इंडिया विल बी 90 रैंक इन फीफा रैंकिंग, या इट इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली विनिंग राइट नाउ, दे आर इन अ इन ग्रेट विनिंग फॉर्म, तो विनिंग रन तो चल रहा है उनका। पाकिस्तान वर्सेज नेपाल में हमारे सब लोकल क्लब से प्लेयर आएंगे। अच्छा डायस्पोरा का आपका कोई सीन नहीं है, डुअल नेशनल मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है। मैंने एक यूट्यूबर से बात की थी नेपाल के इंस्टाग्राम पे, ही टोल्ड मी कि वहां पे डुअल सिटीजनशिप नहीं है नेपाल में, सो डायस्पोरा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
ऑफसाइड गोल था भाई, पाक वर्सेस नेपाल वाला। काफी लोग कहते हैं ऑफसाइड था, लेकिन वहां पे रेफरीइंग बहुत शिट थी। इससे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि रेफरीइंग वाज नॉट गुड। अच्छा, एक हमारी पेनल्टी शॉट भी हुई थी, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने रिप्ले में देखा तो वलीद खान ने डाइव मारी थी। वलीद खान ने डाइव मारी थी, वो पेनल्टी नहीं थी। पाक वर्सेस नेपाल हुआ था, मैं जीवन में पहली बार पाक को सपोर्ट करूंगा। अरे वाह यार, यार हम भी इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। बाकी मैचेस में हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाक इंडिया मैच में हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। ब्रो, तुम्हारा पाकिस्तान में और कोई फुटबॉल एनालिसिस यूट्यूब चैनल है क्या? यार फुटबॉल एनालिसिस की ऑन द माइक के यूट्यूब चैनल है, उनका सबसे बड़ा चैनल है, मतलब सबसे बड़ा पॉडकास्ट उनका। मैं तो छोटा सा यूट्यूबर, तो ऑन द माइक को आप सब्सक्राइब करो। मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया हुआ है, उनके साथ आपको मेरा पॉडकास्ट भी मिल जाएगा। तो उन्होंने शहजाद अनवर का इंटरव्यू किया हुआ है, जो पाकिस्तान के मैनेजर हैं, उनका इंटरव्यू किया हुआ है। उन्होंने जो PFF के जो प्रेसिडेंट है उनका भी किया हुआ है पॉडकास्ट, हारून मलिक का। तो उनको आप सब्सक्राइब करो, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, मेरा भी कमेंट ले लो यार। ले लिया मैंने, ले लिया भाई, ले लिया मैंने। क्या हो गया गणेश भाई? कह रहे हैं आपका पाक वुमेन टीम हांगकांग के खिलाफ काफी अच्छा किया था। बिल्कुल यार, वी प्लेड वेल स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में हमसे एक मिस्टेक हो गई, वो निशा अशरफ गोलकीपर ने मिस्टेक की। फैसल साले, आज से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, बंदा बहुत पावरफुल है, साफ का प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट नहीं है यार अभी वो, आई थिंक ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी रिसेंटली, और वाइस प्रेसिडेंट था या इस तरह कुछ था। हाँ आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट था वो। पाकिस्तान में नेपाल की एग्जिस्टेंस पता नहीं है भाई तुम लोग। फुटबॉलर्स को लोग देखते हैं, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो नेपाल की टीम को फॉलो करते हैं, लेकिन करते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये इन दो के तो बहुत फैंस बने हैं रिसेंटली, पिछले 6 महीनों में, क्योंकि अभी हम नेपाल से खेल रहे हैं, हम फिर से साफ चैंपियनशिप में नेपाल से खेलेंगे। जितने मैचेस हमारे होते जाएंगे, हमारे ताल्लुकात बढ़ अच्छे होते जाएंगे। वो अलग बात है कि नेपाल इंडिया की राइवलरी बहुत ज्यादा वो हो गई है, उनके ताल्लुकात खराब हो गए मैचेस होने के बावजूद, वो तो हर वक्त ही खेल रहे होते। तो लेकिन या आई होप कि पाकिस्तान नेपाल के, हमें उनके प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा, उनको हमारे प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा। नेपाल में भी ज्यादा लोगों को पाकिस्तान के प्लेयर्स का नहीं पता। सुशांत राजपूत वो ऑफसाइड ठीक है, अच्छा अनजान गोल्स अगेंस्ट पाकिस्तान वाज द रिक्रिएशन ऑफ अर्लिंग हॉलैंड गोल अगेंस्ट यूनाइटेड। नाइस यार, अच्छा वो किया कंपैरिजन, नाइस एग्जाम्पल। हाउ मेनी डायस्पोरा प्लेयर्स आर स्टिल कंफर्म टू प्ले इन द साफ दिस एडिशन? भाई 6 to 8, 6 to 8 विल कम, मैक्सिमम 8 विल कम, एंड ये 6 तो पक्के हैं। आदिल नबी, हारून हामिद, ओटिस खान जो आपको नजर आ रहा है, अब्दुल समद अरशद ये पक्का है, ईसा सुलमान पांचवा ये पक्का है, अब्दुल्ला इकबाल छठा ये पक्का है, शेर खान भी प्रिटी मच पक्का है। तो 7 तो पक्के आ रहे हैं, 7 तो आ रहे हैं। शेर खान प्लेज इन कतर, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डिवीजन में, लोसेल सिटी के लिए। तो भाई इंडिया को हरा ही दोगे क्या? नहीं भाई, सुबह भाई मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम इंडिया को रहेंगे, मैंने कभी नहीं कहा। बाकी पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस कहते हैं, मेरा काम है सच बोलना। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा लक्ष्य रंजन हेलो, अरे क्या हाल है लक्ष्य भाई, कैसे हो, व्हाट्सअप? व्हाट इफ आर टीम शॉक्स ऑफ कंट्री इन फाइनल्स, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान? भाई नेपाल शायद चली जाए फाइनल में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान को, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमारी टीम खेल जैसा, ठीक है? मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारी टीम को प्लीज खेलने दो, खेल ले एक दफा, उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करते हैं। लेकिन हमारी जो है ना इस वक्त ये लाले पड़े हुए हैं कि हम खेलते हैं कि नहीं खेलते। पाकिस्तान आज तक थर्ड पोजीशन से आगे नहीं गई है साफ कप में, साफ चैंपियनशिप। साउथ एशियन गेम्स में हम 4 बार गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, लास्ट हम 2006 में जीते थे, उसके अलावा हमने कुछ अचीव नहीं किया साउथ एशिया से बाहर। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम फाइनल में जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बड़कियां नहीं मारूंगा मैं भाई, मैं रिसर्च करके आता हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई। वेटिंग फॉर 21 जून, मी टू ब्रो, मी टू। अच्छा हे मोमोज डोंट ड्रीम। अच्छा नेपाली गोलकीपर किरण, हाँ वो, यस ही ऑल्सो प्लेड वर्सेस पाकिस्तान अगेन। यार नाम बहुत मुश्किल है, मैं इसको किरण के नाम से बुला लूंगा, ठीक है? किरण से मुझे याद रहेगा, सेकंड नेम बहुत मुश्किल है भाई प्रोनाउंस करना।
आई विल कॉल हिम किरण। इनका कोई निकनेम नहीं है? निकनेम बता दो भाई, हम निकनेम से बोल लेंगे। इनका निकनेम बता दो हमें। बल्कि उसमें दीपक करकी खेला था ना, दीप करकी खेला था। दीपक करकी वॉज प्लेइंग इन द पाकिस्तान इंटरनेशनल। या दीपक करकी वॉज प्लेइंग। आई थिंक यू डोंट नो नेपाल गोलकीपर किरण चिंचोंग, डिफेंडर रोहित चंद एंड अटैकर। भाई मुझे दो प्लेयर्स का नाम पता है, रोहित चंद का और ये अनजान बिस्ता। ये दो पाकिस्तान में काफी फेमस है, इसके अलावा मुझे किसी का नाम नहीं पता। लेकिन ये जो है ना दूसरा बंदा, ये क्या नाम है इसका, जो किरण भाई है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले थे, वो दीपक वो था, करकी था, वो खेल रहा था। भाई एक साफ पॉडकास्ट करो भाई, साहब पॉडकास्ट। वैसे हिरेन भाई तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, मुसव्वर भाई भी कर रहे हैं। मुझे बंदे नहीं मिल रहे यार, मुझे मुझे अगर सिर्फ बांग्लादेश के या नेपाल का, नेपाल के तो चलो मिल जाएंगे, मुझे बांग्लादेश का मिल जाए तो हम एक ट्राई नेशन कर लेंगे या फोर नेशन कर लेंगे। हिरेन भाई को भी बुला लेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। भूटान और मालदीव के तो मुझे मिलते ही नहीं है, वो तो मैंने ना इंस्टा पे भी मैंने ढूंढा, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुझे। तो ये चार नेशंस के तो हो सकता है, बड़ा अच्छा पैनल बन सकता है। नेपाल 13 टाइम नेपाली हो, नो प्रॉब्लम, 13 13 3 नेपाली हो। एनओसी का कब तक पता चलेगा यार? हैदर भाई मोस्ट प्रोबेबली डॉन के आर्टिकल में तो उन्होंने कह दिया कि एहसान रहमान मजारी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर है और मैं एनओसी के बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। ही हैज सेड दिस, इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks यू विल नो द फुल पिक्चर कि क्या होता है। अभी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसका फैसला कब तक आएगा, लेकिन मैं आपको टाइमलाइन दे सकता हूँ कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में ये होगा, क्योंकि अभी ये मामला जाएगा फॉरेन मिनिस्ट्री में बिलावल जरदारी के पास, उसके बाद ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाएगा राणा सनाउल्लाह के पास। आई थिंक इंटीरियर मिनिस्टर वही है, इंटीरियर मिनिस्टर इज राणा सनाउल्लाह राइट नाउ, एक जमाने में शेख रशीद होता था, लेकिन खैर छोड़ो। अच्छा, शहजाद अनवर हसन बशीर को क्यों नहीं लेकर जा रहा अगर स्ट्राइकर की कमी है तो? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। काफी इंडियन फैंस मुझसे पूछते हैं कि आप हसन बशीर को क्यों नहीं लेके आ रहे, क्या मसला क्या है? यार ही इज 36 years old, और जब वो नेपाल के अगेंस्ट खेले थे ना, ही प्लेड अगेंस्ट नेपाल, ही वॉज वेरी स्लो, हिज पासिंग टेम्पो वॉज वेरी स्लो, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेवल। लिंकअप प्ले नहीं वो बंदा कर पा रहा था, पासिस उसके एस्ट्रेज आ रहे थे, बॉक्स में वो ठीक तरीके से रन भी नहीं बना पा रहा था। तो साफ लग रहा था कि बंदा बहुत ज्यादा रस्टी है, इवन दो ही हैज प्लेड इन डेनमार्क, आई थिंक सेकेंड या थर्ड डिविजन में। तो उस हिसाब से जो जिसकी हमें तलाश थी ना, जो हम क्वालिटी चाह रहे थे, वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी हमें हसन बशीर से। तो अब शहजाद अनवर कह रहे हैं कि ही इज 36, ही इज डिक्लाइनिंग, तो हमें एक यंग प्लेयर की तलाश है, हमें यंग प्लेयर चाहिए। वो मोहम्मद वहीद को तो शायद ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता हसन बशीर को, वो समझते हैं कि वो फ्यूचर प्लान्स में उनको देखते हैं, वो मेरे ख्याल से वो नहीं देखते। तो ये एस्पेक्ट। अच्छा ओके, प्रशांत भाई आ चुके हैं। वीजल न्यूज पैराडाइज कह रहे हैं, टेल ऑल पाकिस्तानी व्यूअर्स अबाउट द कम्युनिटी वी आर बिल्डिंग फॉर ट्रेंड्स। हाँ भाई, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी बिल्ड कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी भाइयों को खासतौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आवाज उठानी है, बाहर तो आपके लिए, आपसे आपके लिए आगे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो ट्रेंड चलाना है हमने, एंड सेफ पाकिस्तान फुटबॉल ट्रेंड चलाना है, एंड वी हैव टू कीप दिस ट्रेंड गोइंग, क्योंकि आगे हमने लड़ाई लड़नी है इस बात पे कि इलेक्शंस को डिले किया जाए। इलेक्शंस किसी सूरत नहीं हो सकते, हारून मलिक मस्ट स्टे, उसी में पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी है। हम इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप बनाएंगे, एक 2 दिनों में हम बना देंगे, फेसबुक पे भी ग्रुप बनाएंगे, उसमें सारे पाकिस्तानी भाई आए, हमें 100 200 लोग चाहिए। अगर 200 लोग भी, पर 200 लोग कोई 20 से 25 ट्वीट्स भी करते हैं, हम 2000 3000 ट्वीट्स करके इनको प्रेशर डाल सकते हैं, और हमारी जो जो हमारा ट्रेंड है वो नजरों में आ जाएगा, और ये पॉलिटिशियंस फिर आएंगे प्रेशर में, ये गवर्नमेंट आएगी प्रेशर में, आईपीसी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट देम, हमें इतने लोग चाहिए कि हमारे 2000 3000 ट्वीट्स हो जाएं कम से कम। टारगेट तो मेरा 5000 ट्वीट्स है, इतने ट्वीट्स हों एक दिन में कि ये लोग पागल हो जाएं और ये कहें कि ये ट्वीट्स आके दस दें। तो उसके लिए हमें लोग चाहिए, बंदा चाहिए जो इतने बल्क में ट्वीट्स कर सके एक साथ। तो वी विल मेक अ ग्रुप, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे, जब मैं बनाऊंगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये है,
एनओसी का मामला ठीक का मामला ठीक हो गया है यार, इट स्टिल हैज टू गो ओवर द लाइन, इट स्टिल हैज टू गो ओवर द लाइन। आईपीसी मिनिस्ट्री तो मान जाएगी, अभी एनसी ने दोबारा से अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है आईपीसी मिनिस्ट्री को, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने। बाद में वो बिलावल क्या फैसला लेगा और वो राणा सलाउल्लाह क्या फैसला लेगा, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। इन एवरी फुटबॉल मैच नेपाल वर्सेज इंडिया देयर विल ऑलवेज कमेंट वॉर नेपाल फैंस। हाँ वो राइवलरी है भाई, काफी वो बढ़ गई है क्योंकि बहुत मैचेस हुए ना आपस में ब्रो। नेपाली फैंस मोस्ट टॉक्सिक, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, मैं इतने नेपाली फैंस को नहीं जानता हूँ, मैं बहुत कम नेपाली फैंस को जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं सिर्फ उनको जानता हूँ। तो जो जो लोग मुझे करते हैं सब्सक्राइब, कॉमेंट करते हैं, उन्होंने तो बड़ा प्यार दिया। तो पाकिस्तान और नेपाल का कंट्री कंडीशन सेम है, सेम ही है भाई, चाहे क्लब में या वैसे नहीं, क्लब में उनका बेहतर है। आपका कम से कम आपकी एक लीग है, आपकी लीग फंक्शनल लीग है, वो चल रही है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस राइट नाउ ग्रास रूट लेवल। अच्छा, रोहित चंद परसीजा जकार्ता, यस जकार्ता, ये खेला था पाकिस्तान वाले मैच में, इंडोनेशियन क्लब। ओके ओके नू भाई क्या हाल है, नू भाई 37-40 पीपल जो जो देख रहे हैं भाई, लाइक ठोको सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको सब्सक्राइब ठोको, कोशिश करो कि मैं आज 700 से ऊपर चला जाऊं किसी तरह, 700 हो जाए तो कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू यार फॉर द लव। और 40 पीपल वॉचिंग गणेश भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ गणेश भाई, एंड आई विश वी आर शुड यूज इन साफ कप, होना चाहिए यार, हाँ साफ चैंपियनशिप में बिल्कुल होना चाहिए, वी आर शुड बी देयर, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा फुटबॉल का हब बन चुका है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब होगा वहाँ पे, क्योंकि VAR तो ISL में भी आने वाला है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो दूसरा इनकी जो अगली सीजन है, अगला सीजन है, उसमें भी ये काफ़ी हाई क्वालिटी का करने लगे कुछ, तो उसमें एक मुझे वो कहा था VAR लाइट आने वाला है, VAR लाइट, यस VAR लाइट आने वाला है इंडिया। गणेश नाइक डजंट हेट एनीवन, ही इज द बेस्ट फैन इन द वर्ल्ड एंड ऑलवेज लव्स हिज नेबर, अरे हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गणेश भाई इज नॉट टॉक्सिक, प्रशांत इज राइट भाई, आप पाक में कहाँ से हो, मेरे एंसेस्टर्स भावल नगर से हैं, दिशु कह रहे हैं कि अच्छा भावल नगर से, यार मैं बेसिकली पैदा तो इस्लामाबाद में हूँ, मेरी जो अम्मी है वो पठान है, शी इज़ फ्रॉम पेशावर, माई फादर इज़ पंजाबी, पंजाबी तो मैं बोल लेता हूँ वो मुझे इशू नहीं है, लेकिन मैं पश्तो नहीं बोल सकता, वो मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मैंने सीखने की कोशिश भी की है, मुझसे नहीं बोली जाती, तो इससे बेहतर है कि मैं पश्तो का बलात्कार कर दूँ, मैं बोलता ही नहीं, तो मेरी अम्मी जो है वो बोलती हैं, सो बेसिकली यही है कि मेरे जो फादर हैं वो लाहौर के हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे जो नाना थे, नाना मेरे, उनका उनका नाम था सरदार मसीह जावेद, तो वो सरदार थे बेसिकली, तो वो आए थे माइग्रेट करके, उनके जो एंसेस्टर्स आए थे वो तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, उनके जो अबू थे वो अमृतसर से माइग्रेट करके आए थे, तो मेरा भी जो रूट्स हैं नाना के वो अमृतसर के हैं, तो दैट इज़ वाई हिज नेम इज़ सरदार, तो ये है, उन्होंने मरते मरते दम तक सरदार नाम हटाया नहीं था अपने, अपना जो वो है क्या कहते हैं नाम से, तो यस। अच्छा काफी काफी तारीफें कर रहे हैं ये हमारे यमसिता भाई भी काफी तारीफें कर रहे हैं कि किरण चेमचोंग की टीम राउंड ग्लास पंजाब ISL में प्रमोशन, अच्छा वो राउंड ग्लास पंजाब में खेल रहे हैं, हाँ राउंड ग्रास पंजाब, मुझे इसका नहीं पता था, ये एरेन भाई को इन चीज़ों का पता होता है, ही इज प्लेइंग इन राउंड ग्लास पंजाब, ये मुझे आपसे पता लगा। लुक एट इंडियन फुटबॉल पेज यू विल सी दिस नेपाल टॉक्सिसिटी। यार ओले सैतार का ना अभी अभी तक सिर्फ ये कंफर्मेशन है, मैंने अली हसन सर से पूछा था, ही इज प्लेइंग इन नॉर्वे एंड वो जो है उनके ग्रैंडफादर, या तो उनके नाना पाकिस्तानी है या दादा पाकिस्तानी है, तो नाना और दादा में से अगर एक आपका पाकिस्तानी है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट प्लेयर, नो डाउट। लोग कह रहे हैं कि ही इज इंटरेस्टेड, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन लोग कह रहे हैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुझे PFF की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है, कोई मुझे सोर्स नहीं, ये नहीं बताया कि हम उस पर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई काम इस वक्त हो रहा है बैकडोर चैनल से, तो ये। बाकी हसनैन हैदर को आप इंस्टा पे मैसेज करो, वो आपको बता देंगे। आई सपोर्ट पाकिस्तान ऑन कश्मीर एज अ नेपाल, भाई छोड़ दो अभी कश्मीर के मामले को, छोड़ दो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, मत पॉलिटिक्स में ना जाओ,
पॉलिटिक्स में ना जाओ, फुटबॉल की बात करो। यहाँ लड़ाई करवाओगे तुम, यहाँ तुम जंग करवा दोगे। हु इज द बिगर क्लब, मैन यूनाइटेड और लिवरपूल? ऑफ कोर्स लिवरपूल, मोस्ट ट्रॉफीज अभी हमारी ही है। प्रीमियर लीग की बात ना करना, मोस्ट ट्रॉफीज ओवरऑल की बात करो। इस पे भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन यहां पे मैं सेफ नहीं खेलूंगा। लिवरपूल इज द बेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, पूरा नेपाल। अगर आप हिस्ट्री उठा के सारी देखें इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ट्रॉफीज, पूरा नेपाल इंडिया का हिस्सा है इस वक्त। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, मैनचेस्टर सिटी इज द बेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, नो डाउट, नो डाउट। नॉट ओनली इंग्लैंड बट इन यूरोप। पूरा नेपाल इंडिया के साथ है। ओके यार अर्बन भाई, गुड, यू आर शोइंग ग्रेट लव टू इंडिया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं तो इंडिया से नफरत नहीं करता, खैर मैं किसी कंट्री से नफरत नहीं करता। एक दफा यर्गन क्लॉप ने एक स्टेटमेंट दी थी मैनचेस्टर के हवाले से, यूनाइटेड के हवाले से, तो उसको जर्नलिस्ट ने गलत इल्जाम लगा के कहा कि भाई ये जीनोफोबिक है। क्या है जीनोफोबिक? अब जीनोफोबिक का क्या मतलब है? कि आप किसी देश से या आप किसी सिटी से उनके लोगों से नफरत करते हो। तो मैं जीनोफोबिक नहीं हूं, ये मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लफ्ज सीखा था, आई एम नॉट जीनोफोबिक। तो ये है शायान भाई, सर कर्टिस जोन्स 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट डील डन, नूब भाई कह रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता। नो नो वे, नेपाल विल ऑलवेज बी बी द बेस्ट टीम। जाहिर है भाई आप नेपाल के बंदे हो, आप जाहिर यही कहोगे, नेपाल को दोनों मिलके पेलेंगे। भाई मुझे अभी साफ चैंपियनशिप में खेलना है, किस कौन किसको पेलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेपाल दुनिया का सबसे बेस्ट टीम है, 100 मैं 100% छोड़ू, ठीक है भाई, ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। मैं तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा। रोनाल्डो वॉज नेपाली, हिज रियल नेम वॉज रोनाल्डो शर्पा। अच्छा ओके okay। शायान भाई आप आईएसएल देखते हो? यार मैं बहुत कम देखता हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं देखता, बहुत कम। मोहन बगान के मैं मैचेस देखता हूँ थोड़े थोड़े, वो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ आता नहीं है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से लिंक ढूंढना पड़ता है। सौरभ पंडित इज बायर्न म्यूनिख फैन, ओके। अगर लिवरपूल बेस्ट क्लब होता तो 30 साल में एक प्रीमियर लीग टाइटल नहीं होती। मैं आपको बताता चलूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी 27-28 साल में कोई टाइटल नहीं जीती थी, 90 जो ये पिछली जो हमारी 20th सेंचुरी गुजरी है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपका कोई ड्राई स्पेल नहीं रहा है। सो मैं इस जो पूरी इस स्टेटमेंट की बुनियाद है मैं उसको नहीं मानता, मैं इससे शदीद डिसएग्री करता हूँ। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। हर किसी का स्पैन आता है, 20 साल तो आर्सेनल को भी होने वाले और इंशाल्लाह आपको भी 30 साल होंगे। क्योंकि आप टाइटल नहीं जीतोगे अगले 28 साल। ये मेरा श्राप है मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीतेगी, नफरत करता हूं मैं एक क्लब से नफरत करता हूं, यस मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई हेट देम। शायान भाई आप आईएसएल देखते हो? आई एब्सोल्युटली लोथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। खैर प्रीमियर लीग में आई सपोर्ट टॉटनहैम, ओके। आई रिस्पेक्ट टॉटनहैम बट आई डोंट रिस्पेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बुंडेसलीगा बायर्न, अच्छा ठीक है। रियल मैड्रिड, यार मैं डॉर्टमुंड को सपोर्ट करता हूँ बुंडेसलीगा में, और लिवरपूल ऑब्वियसली। मैं एसी मिलान को सपोर्ट करता हूँ, आई लव एसी मिलान, दे आर अ ग्रेट क्लब बट अनफॉर्चुनेटली हार गए। फ्रेंच लीग में मैं हमेशा जब फीफा खेलता था मैं सेंट एटियन को सपोर्ट करता था, मुझे उनका कल्चर, उनके फैंस बहुत पसंद है। सेंट एटियन अभी रेलीगेट हो चुकी है, अभी तो नहीं खेल रही, उस टाइम मैं सपोर्ट करता था जब वो खेलते थे। और कौन सा रह गया, सीरिया रह गई। लालीगा में आई सपोर्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ, आई लव एथलेटिक क्लब बिलबाओ, मुझे बहुत पसंद है उनकी फिलोसफी, तो मैं अनोखे अनोखे क्लब्स को सपोर्ट करता हूँ। और मेरा सॉफ्ट कॉर्नर फुलम के लिए भी है, क्योंकि हमारा जो उसका जो ओनर है वो पाकिस्तानी है। तो व्हाट मोस्ट स्टूपिड डिबेट्स, मैड्रिड बेटर, वार्सा बेटर, रियल मैड्रिड, लिवरपूल और मैन यूनाइटेड। लिवरपूल इज क्लियर मोस्ट स्टूपिड फुटबॉल डिबेट। भाई सीरियस नहीं होना, लड़ने का नहीं, सीरियस नहीं होने का। ब्रो नेपाल लिविंग अराउंड इमेजिनेशन वर्ल्ड। चलो दोस्तों बाकी कमेंट्स में इतने नहीं ले पाऊंगा, आई एम सॉरी, मुझे जाना है, मुझे एक जगह जाना है और मुझे रात को हिरेन भाई ने बुलाया हुआ है, तो आई एम सॉरी अगर मैं आपके कमेंट्स नहीं ले सका, माजरत, वेरी वेरी सॉरी। तो अब हम मिलेंगे एक और स्ट्रीम में, जल्द मैं एक और स्ट्रीम करूंगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग। और हाँ हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम पाकिस्तान की आईपीसी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट फुल ऑन एक प्लान बना रहे हैं, हम ट्रेंड चलाएंगे। We have to go to SAF Championship. We will go to SAF Championship. और किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता कि हम SAF Championship में ना जा सके।
सो यस, बिलावल जरदारी कैमरे में बोल रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें राणा सोलाउल्लाह कैमरे में बोल रहा हूँ, एनओसी दे दो, एनओसी चाहिए। ओके, डिमांड हो चुकी है, बाय बाय गाइस।